गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री धाम के धन।
धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। भाई जुराज महारानी जो की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। महामति श्री लालदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर सात ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भवतीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राजय जय राज जय जय राज श्री जय जय श्री श्याम जय श्याम जय चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अश्वारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दिया जो है पूरण रो तारतम को तत्व कयो हृदय सरो तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम ही स्वरूप के सम भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनमु करूं प्रणाम। उगरहि बिकट कपाट योर समरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम के धनी की सतगुरु महाराज की। इन समय गोवर्धन आया या पासी बगन से सो भी आए के हित रहिया बेला साथ मीने रहिया बेला साथ मीने किन सेवा की सिर लई अपने प्रणाम। फरमाइए भुजाई महाराज। फरमाइए सुंदर साहब जी अपनी आए तिन सेवा लई सिर अपने महंतम बुद्धि के सागर धाम दुलक्षरा तीर्थ पिया श्री प्राणनाथ जी के परम सत्य श्रोमणि महामति श्री लालदास जी महाराज जी निज दरबार श्री बंगला जी श्री पांच पद्मावती पूरी धाम परना जी धामधनी के सन्मुख विराजमान होकर के
यह वृतांत ये भी तक लिख रहे हैं। धनी ने उनको हुक्म दिया है और उनसे ये कहा है, लालदास तुम्हें अपनी 6 दिन की जो वृतांत है, जो परमधाम से लेकर के अपने ये 6 दिन हैं, इनकी वृतांत भी तक तुम्हें लिखना है। महामति लालदास जी महाराज ने हुक्म सुधार किया। पंचमी के दिन से ही निज दरबार बंगला जी में विराजमान हुए और यह वृतांत लिखते हैं। इसलिए पंचमी के दिन से यह बीतक प्रारंभ होती है और अष्टमी के दिन में उन्होंने पूरी की तो पूरी हुई होती है। ये साथ जी महामति श्री लालदास जी महाराज जी यहाँ पर 5वें दिन की लीला कह रहे हैं। पहला दिन हो गया ब्रज का, दूसरा दिन हो गया रास का, तीसरा दिन हो गया बरारब का। इन तीनों लीलाओं की बहुत विस्तार विवेचन और वाणी है। इन तीनों लीलाओं का वर्णन इतना ज़्यादा है कि ग्रंथ पर ग्रंथ बन जाएंगे तो भी वो बहुत पूरी होगी नहीं। इसलिए 4वें, 5वें, 6वें दिन की लीला का वर्णन हो रहा है। 4वां दिन है सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज जी का और उनकी लीला का वर्णन होने के उपरांत में सद्गुरु श्री धनी देवचंद जी महाराज जी ने अपनी पूरी शोभा, सिफत घर का, परमधाम का, सारी शोभाएँ इंद्रावती जी को दे करके उनके हृदय मंदिर में बैठ गए और यह 5वें दिन की लीला चल रही है श्री महामति श्री प्राणनाथ जी की, जिसमें आप जागनी करते हुए और देश देशांतर से अपने देश में भी परदेश में भी ये जागनी की उन्होंने। अकेले देखिए आप, श्री इंद्रावती श्री मेहरा ठाकुर ने अपने समय काल में सद्गुरु धन देवचंद जी महाराज जी के वचन का पालन किया। जो सुंदर साथ इधर उधर भटक गए थे, जो माया में लिप्त हो गए थे, माया से नाता जोड़ करके उसमें बैठ रहे थे, उनको श्री इंद्रावती श्री महाराज ने जा करके झंझोड़ करके उनकी खंडनी करके उनको जागृत किया। और चाहे वो कहाँ भी होवें, देश में हो चाहे वो परदेश में हो, चाहे वो आप मस्कत बंदर में हो, आवासी बंदर में हो, और चाहे वो ठट्टा नगर में हो, ईरान, ओमान, इराक, 3 रेस्ट और ऊपर से ठट्टा नगर पाकिस्तान, 4, 5वां हिंदुस्तान, ये 5 राष्ट्र का उन्होंने भ्रमण किया है। 5 राष्ट्र में गए हैं और उस समय पर जब कोई साधन नहीं है किसी प्रकार का, ऐसे समय में सुंदर साथ को उन्होंने, आज तो अपने पास सब साधन हैं और अपने हरि जी महाराज आप कौन हैं, सदगुरु हैं, आप धर्म की शोभा बढ़ा रहे हैं, सुंदर साथ आपकी तरफ देख रहे हैं और आप घर में बैठे रहेंगे प्रचार कैसे होगा। आपको सबके बीच में बैठे हैं, वाणी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये काम सिरे लेना ही पड़ेगा, ये काम आपको सिरों में लेना ही पड़ेगा। इसलिए आप श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, बोलो श्री प्राणनाथ हो, तो आप श्री इंद्रावती जी वहाँ से श्री बिहारी जी के साथ में अलग हो गई। अलग हो करके कहाँ पहुँच रही हैं आप वहाँ से सूरत, सूरत से 8 सुंदर साथ गए थे और उनके साथ में वह है आते हैं जिनका प्रसंग आपने कल विस्तार से सुना है। आप जब सूरत पहुँचे तो सूरत में यहाँ पर शिव जी और राम जी भाई, इनको उन्होंने ज्ञान चर्चा सुनाई, चर्चा सुना करके समझा करके फिर भेजा बिहारी जी के पास। क्यों भेजा? हमारी इनकी बात हुई है, शायद बिहारी जी में कुछ परिवर्तन आएगा, समझिए हमने अभी इनके साथ में इतनी बातें की हैं, हो सकता है कुछ असर पड़ा हो, कुछ हो सकता है इनके अंदर कुछ परिवर्तन आया हो, इसलिए उन्होंने 2 को भेजा। और कैसे भेजा? एक पत्र लेके दोनों गए लेकिन एक के साथ में मोहर दी गई, देखिए आप, और एक को खाली हाथ भेजा गया। पहचान कर रहे हैं आप लोगों ने, अंदर की बात को समझना है, पहचान कर रहे हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, क्या करेंगे, बर्ताव क्या करेंगे इनके साथ में। और वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ, उन्होंने जिन्होंने 5 मोहरें खर्च की अंदर बिठा लिया, देखिए आप, और जिसने कुछ नहीं दिया उसको बाहर भगा दिया। यह बात समाचार आ गया सूरत में, ये समाचार आ गया, अपना अपनी सारी विगत बताई कि हम तो वहाँ पर बैठे रहे 3 दिन, रोते रहे, हमें तो सुना ही नहीं है, हमारी बात इन्होंने ध्यान दिया है,
ऐसी बातें यहाँ पर हुई हैं साथ जी। इतने बीच के अंदर में यहाँ पर अब जागनी प्रारंभ होने वाली है, महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर में प्रखर उजारा होने वाला है, ऐसी रोशनी चढ़ने वाली है और ऐसा निरानंद का ध्वज लहराने वाला है साथ जी। इसलिए आप सावधान होकर के साथ अब धीरे धीरे करके वहाँ से आना शुरू होंगे। मिलेगी उनके अंदर में एक भाव आएगा, हमारे घर आए थे, हम रुक गए, हमें जाना चाहिए था धर्म के काम पर। उन्होंने तुरंत जो है समाचार भेजा और पहुँच गया। जब गोवर्धन भाई आए खाली हाथ नहीं आए, इतना धन लेकर के आए, सब खर्च करने लगे। सुंदर साथ में बीच में किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए सेवा करने लगे। इस तरह से गोवर्धन भाई सेवा में शामिल हो गए। सब खर्चने लगा साथ में सफल जन्म करने, अपना जन्म सफल करने के लिए, धन धन करने के लिए वह खर्चा करने लग गया। क्योंकि आपको मालूम है कि श्री इंद्रावती जी का भाव था, सुंदर साथ को हम आत्मिक खुराक भी देवे और देह की खुराक भी देवे। आत्मिक खुराक देते हैं ये वाणी है, और देह के वास्ते वो सोचते हैं कि इनको अच्छे से हम वस्त्र पहनाएं, अच्छे हम जो हैं देखभाल करें, ये भी व्यवस्था, ऐसा भाव इनके अंदर में था। आके खर्च करने लगा। अब सूरत शहर के अंदर में सुर फैल गया, कह रहे हमारे यहाँ पर कोई ऐसे ज्ञानी, ऐसे कोई संत, ऐसे कोई साधु, उनका विचित्र ज्ञान है, उनकी वाणी में बड़ी मिठास है, उनकी वाणी के अंदर में इतना खिंचाव है, इतना आकर्षण है, उनके दर्शन करने से ही काम बन जाता है। सुनने की बात छोड़ दीजिए, उनके दर्शन से ही लाभ मिल जाता है। दर्शन मात्र चमत्कार हो रहा है, सारे शहर सूरत के अंदर में फैल गया। अब देखिए लोगों की भीड़ शुरू हो गई। ले दिल में देखा, बोलो श्री प्राणनाथ, शब्द को पकड़िए। हम रोज कहते हैं आप शब्द को, शब्द में जाइए, आप शब्द में नहीं जाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ले सक आवही, शंका लेकर के आते हैं, भारी शंकाएं लेके आते हैं। उन शंकाओं के बारे में अभी आप सुनेंगे कौन कौन शंका लेके आता है, लेकिन दीदार करते ही उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। ऐसा कभी सुना है क्या कि दर्शन मात्र से ही जो भी प्रश्न लेके आते हैं, जो भाव लेके आते हैं, जो इच्छा लेकर के आते हैं, दर्शन मात्र से ही वह सब सिद्ध हो जाता है। भीम भाई और श्याम भाई, मतलब भीम भट्ट और श्याम भट्ट, इन्होंने भी सुनी। प्रकांड विद्वान, वेद वेदांत के ज्ञाता, उन्होंने भी सुना कि अपने शहर के अंदर में एक महान ज्ञाता ज्ञानी और बहुत बड़े महान विद्वान या बहुत बड़े महान स्वरूप आए हुए हैं। चलो, बोले दोनों ने कहा, चलो देखते हैं चल के। तो बड़ी भाई प्यारे। बस वो जब यहाँ पर आए, शब्द में फिर आइए, जैसे ही यहाँ पर आए स्वामी जी की चर्चा उन्होंने सुनी, लेकिन चर्चा सुनते उनको प्यार भी मिला। इनके साथ में बहुत अच्छा प्यार बर्ताव किया उनके साथ में। कोई भी आएगा उसके साथ में यदि प्रेम का बर्ताव करोगे, वो सारी अपनी बुराइयाँ भूल जाएगा, आपके साथ बैठेगा, सुनेगा, समझेगा। और या दिन उसके साथ में पहले बर्ताव भाव अच्छा नहीं किया तो वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो उन्होंने आते ही दर्शन किया और थोड़ी चर्चा सुनी, और इनके साथ में सब कितने प्रेम से बर्ताव करते हैं। इस प्यार के बंधे, प्यार में बंध जाने पर ही वो दर्शन करने आने लग गए। हाँ, भयानक चर्चा को हम समझे परवरदिगार। देखा, चर्चा का रस बढ़ने लगा। अब वो क्या कहते हैं, अरे भाई हम अब समझे कि साक्षात परवरदिगार आ गए हैं, साक्षात ब्रह्म आ गए हैं अपने यहाँ पर। भीम भाई, देखिए श्याम भाई, दोनों इशारा करते हैं, आज समझे हैं कि साक्षात अपने सामने परब्रह्म स्वरूप आकर के बैठ गए हैं, परवरदिगार बैठ गए हैं। उनका एक ही ध्येय था, एक पक्ष मतलब एक तरफ थे वो, क्या थे वो, वेदांत शास्त्र के ज्ञाता थे। बस वो वेदांत शास्त्र के अंदर में उलझे हुए थे,
उन्हीं के अंदर में उनका भक्ति भाव सब कुछ उसी में था। एक पक्ष उनके गुरु का नाम शंभू था, इसलिए उन शंभू के पास, शंभुनाथ के पास में वो दीक्षित भी हुए, धर्म भी सुना, चर्चा भी सुनी, उनके पास रहने भी लगे। लेकिन आज इनका ज्ञान सुनते ही उनके अंदर में एक ऐसी रोशनी नूर हुआ कि देखा कि साक्षात ब्रह्म है। और हम तो एक ही चीज जानते थे, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत क्या था, देखा उनके पास में इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं था। वेदांत के अलावा उनके पास वास्तुता दूसरा नहीं था। और यहाँ चर्चा होती थी सर्वदेशी, यहाँ चर्चा होती थी किसी भी शास्त्र पर, किसी भी वेद पर, किसी पुराण पर, किसी भी धर्म ग्रंथ पर आप यहाँ पर चर्चा करते थे पिया प्राणनाथ जी। और उनकी बारीकी बताते थे। और क्या बताते थे, ये सतवाणी मत के ले उन्जोन को सार। देखिए आप, यहीं पर ही निज नाम की पांच चौपाई का अवतरण होता है। मंगलपुरी धाम के अंदर में पांच चौपाइयों का, बिनती एक जो बल्लभा अंगना की अभिधार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, ये वाणी यहाँ पर उतरती है। मतलब कि पांच चौपाइयाँ अवतरण होती हैं। और यहाँ पर तो बहुत वाणी का विस्तार हो गया। और ऐसी वाणी चर्चा जो हमने यहाँ पर दो प्रकरण किए थे, अभी आकर के मैंने उनकी दो प्रकरणों की चर्चा की है, उतने में आप समझ जाइए कितना व्याख्या यहाँ पर हुई है। ते दोनों ने आकर के इनका दीदार करके वाणी सुन रहे हैं। देखो भाई, जो लोग खोज करेंगे, खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। जो खोज करेगा किसकी, दुनिया की खोज नहीं, वो आत्म के लिए परमात्मा को ढूंढेगा, उसके अंदर विकार नहीं होता है। वो खोज कभी पूरी नहीं होती। कोई कहे कि आज खोज पूरी हो गई और शांत होके बैठ जावे, तो भर वो अज्ञानी है, ना समझ है, आप जान लीजिए। इसलिए जो खोज गए, इन्होंने खोज की है। देखिए आप, उठा के पढ़ो खोज की किरंतन, पढ़ो आप किरंतन वाणी के अंदर में, तो इन्होंने खोज की, खोज करते 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 विशाल स्वरूप पा गए हैं धन धनी साक्षात। इसलिए हम तुम एक वतन के, सबको एक भाव में देखता है, समदृष्टि से रखता है, ऊंचा नीचा नहीं करता है, छोटा बड़ा नहीं कहता है, भेद नहीं करता है। ये सारा समझ जाइए आप, क्या कर रहे हैं, भेद कर रहे नहीं कर रहे, वो भेद कर रहे हैं, छोटा है गरीब है अमीर है कर रहे। इसलिए जिसको पहचान होती है आत्म की, तो जानते हैं कि आपके अंदर आत्म, आपके अंदर आत्म, आपके अंदर सबके अंदर आत्म सदी भी एक छे, वासना एक अंग, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो, सब एक वतन के हैं और हम सबकी आत्मा एक ही है। और उसके लिए हमें देखना चाहिए कि भेदभाव नहीं करो, और हमें समझना चाहिए सूरज कभी भेद नहीं करता है, बताओ आप, समान रोशनी देता सब पर, सबके लिए बराबर, पृथ्वी सबको अपने आप पर बराबर अधिकार देती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जल जो है सबके लिए बराबर, क्यों उसके अंदर में ऊंचा नीचा देखें, छोटा बड़ा अमीर का भीड़ देखें, ऐसा नहीं होता। अब ये दोनों तो चर्चा सुनने बैठ गए, इनका घर में मन नहीं लगे। जो भी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनता है वो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। और यहाँ पर एक तरह की चर्चा नहीं होती, सर्वदेशी चर्चा होती है, द्वैत अद्वैत की, विशेष अद्वैत की, प्रकृति पुरुष की, यहाँ पर सारी चर्चाएं होती हैं, जो सब शास्त्र वेद के अंदर में हैं, उनसे ही परे परब्रह्म परमात्मा की, क्षर की अक्षर के अक्षरातीत की, सत असत की सारी चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, कोई छिपा नहीं है। वेदों में ये, शास्त्रों में ये, पुराण में ये, कतेवों में ये, जहाँ देखो इन्हीं का तो स्वरूप है, यही छिपे हुए हैं। जो उनको दर्शन कर लेवे तो उसकी नज़र खुल जाती है, और दर्शन के अंदर में मेल आया, कैफ आया, छल आया, दर्शन नहीं होते। दर्शन कहाँ होते हैं, आज राज्य का दर्शन करना कहाँ मिलेंगे, वाणी में मिलेंगे।
हमारी निर्मल दृष्टि होनी चाहिए, हमारी आत्मदृष्टि निर्मल होनी चाहिए। हम निर्मल नहीं करेंगे तो बुराइयाँ आएंगी, विकार आएंगे अंदर में। इन्होंने बड़े शुद्ध मन से वाणी सुनी और इनको कार्य सिद्ध हो रहे हैं। देखो ताको सुन, इसको सरकार की चर्चा छिपी नहीं है और इनके पास में सारे छह शास्त्रों का, अठारह पुराणों का, चारों वेदों का सब सार छिपा है। वेदांत की चर्चा तो जानत सब, ये कहते थे हम वेद वेदांत जानने वाले हैं, बोले इनसे वेदांत की चर्चा छिपी नहीं है, हमसे ज्यादा जान रहे हैं। तो हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म को अपना के बैठे हैं, हम इसके अनुयायी हैं, लेकिन ये तो वेदांत की चर्चा सब जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। ये चर्चा तीनों ऊपर और कोई नहीं, और बोलो ये चर्चा वेदांत से भी ऊपर। अब कोई सर की बात करेगा बोले अक्षर से भी ऊपर, अक्षरातीत की बोले सब कुछ सबसे परे की चर्चा करते हैं। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। देखा, ये चर्चा सुन करके श्याम भट्ट हैरान हो गए, सोचने लगे भीम भाई ये क्या बात है, आज अपन ने देखा है साक्षात अपने भाग जग गए, अपना कोई पुण्य होगा, अपना कोई अपने यहाँ पर ऐसे कार्य किए होंगे जिसका हमें आज लाभ मिल रहा है। क्या कहने लगे भीम भाई को, कहना तुम हो जो खबरदार। देख क्या कहते हैं भीम भाई, चर्चा में खबरदार होकर सुनना, जब वो चर्चा करें उनकी सारा कि हम चर्चा सुनने आए हैं, इसी चर्चा में हमें कहीं पर अपने मन को भटकाना नहीं है। अच्छी बात कहते हैं, तुमने सुना कि नहीं सुना, वेदांत की खोज की छिपे नहीं, इनसे एक भी शब्द वेदांतिक शास्त्र के कोई भी छिपे नहीं है। ये तो उनसे भी ऊपर बताते हैं, अक्षर से भी परे अक्षर की बात बताते हैं, वो अक्षर से परे अक्षरातीत की बात बताते हैं, इनसे कोई बात छिपी नहीं है। ये विचार करते भीम की खुली नजर बढ़ गई, इतना बता, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये कौन सा ज्ञान कह रहे हैं, ये कौन सी वाणी कर रहे हैं, यहाँ कौन सी चर्चा हो रही है। इसको सुनते 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 भीम की दृष्टि खुल गई। अब भीम की दृष्टि पहले खुली, याद रखिए आप, जिसकी दृष्टि पहले खुली वो पन्ना धाम तक जाएगा और जिसकी दृष्टि बाद में खुली सुन करके सो के फिर बैठ जाएगा। बोलिए आप देखिए, शब्द देखिए आप, वाणी तो चर्चा तो है लेकिन उनमें शब्द कहते क्या है, नज़र किसकी खुली, भीम की, और पन्ना धाम तक जाएंगे, पहली नज़र खुली है। श्याम की बाद में खुली है, चलेंगे थोड़ी दूर, चलेंगे थक जाएंगे फिर रह जाएंगे, लेकिन भीम भाई पन्ना धाम तक जाएंगे। हाँ ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर, खुल गया भीम भाई को, खुल गया। ये तो अक्षर के पार की बात करते हैं जहाँ किसी की दम नहीं पहुँचती है, जहाँ किसी को एक बात कभी दर्शन नहीं होते, उसके बारे में कोई चर्चा करता ही नहीं है, जाता ही नहीं वहाँ तक, समझे। और हम लोग रोज बोलते हैं चांद सूरज की गम नहीं, नहीं पावक को काम, और पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मकुंद निधाम, वो घर है। ऐसे घर के अंदर में आप रहने वाले हैं, तो ये उनकी बातें कर रहे हैं। अपन थे व्यापक लो जानी सूरत है, देखा अपन ने क्या समझा था, पूरे व्याप्त, एक शब्द देखना, अपन समझते थे कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो चाहे वो ईश्वर कहें चाहे वो भगवान वो लोग कहें, अपन नहीं कहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो सब में छिपा हुआ है, सब में फैला हुआ है। बोलो घट घट के अंदर में, छोटे छोटे अणु से अस्थि तक, अपन यही समझते थे कि परमात्मा सब में है। आज पता चला है इनके वचनों के द्वारा कि परमात्मा तो एक ही है, समझ गए, ब्रह्म तो एक ही है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर में सारे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति इसको बोला जाता है, वास्तव में आज पता चला है। और आज दुनिया से किसी से पूछो, अरे परमात्मा सब में बैठा हुआ है, तुम में बैठा, हमें बैठा, सब में बैठा, पेड़ में बैठा, पौधे में बैठा, घोड़े में बैठा, हाथी में बैठा, सब में बैठा है। अच्छा परमात्मा है भैया, सब में बैठा हुआ, एक दूसरे को लात मारते हैं, एक दूसरे को मार देते, खा लेते हैं,
कैसे बेटा? तो अपन समझते थे कि वो परमात्मा सब में है, सब में नहीं है। आज पता चला है कि वो तो एक है, पार पुरुष पिया एक है, दूजा नहीं कोई, दूसरा नहीं है कोई। उनको समझ में आ गई कि अक्षर ब्रह्म ये खेल देख रहा है और इसके अंदर में जो नींद फैली हुई है, स्वप्न फैला हुआ है, जब ये मिट जाएगी तो ले रात्रि मिट जाएगी। ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई है, उन अक्षर पार के बात कर रहे हैं, अक्षर की परे से बात हो रही है, मतलब अक्षरातीत की बात करते हैं। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोले लोक ब्रह्मांड। अरे भाई भीम जी, श्याम जी, यहाँ किसी का बात चल रहा है क्या? बोलो श्री प्राणनाथ। तो इस खेल के अंदर में जब हम लोगों को त्रिगुण की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, आदि नारायण की, अथवा यहाँ की गायत्री की, यहाँ के मोह तत्व की और चौदह लोक की अष्टावरण की, हमें इसकी पहचान नहीं हो पाई, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाई, इसके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर जब इसकी पता नहीं तो अक्षर की बात क्या बताएंगे? बोलो आप, इतने में जान जाओ, जब अक्षर की पता नहीं तो अक्षरातीत की क्या बात बताओगे? भीम की नजर खुले जाए पहुंची लीला मो। भीम भाई की तो पूरी दृष्टि खुल गई, पूरी दृष्टि खुल गई और कहां पहुंच गई? जाए पहुंची लीला मो, धाम की लीला में राज्य महाराज या प्राणनाथ जी ने उनको ऐसा दीदार करवाया। तब आए कदमों लगाए अपने कबीले में, अकेले नहीं, अपने कबीले सहित आकर के श्री प्राणनाथ जी के चरण में उसने नतमस्तक कर दिया। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निंदा में, हो गई शुरू खटपट। पहले गुरु शंभुनाथ थे, हमने आपको पहले ही कहा है कल कि कोई भी निजानंद, कोई भी प्रणामी धनी को छोड़ करके कभी नहीं गया बाहर, देख लो आप, कोई भी नहीं जाता है, बल्कि बाहर से आते हैं। उनको समझ में आता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ये मुकाम है, उनका ही ज्ञान है, सब आते हैं। इसलिए त्रिगुण की और आदि की जो बातें हैं वो यहाँ पर तो वैसी समा जाती हैं। तो साथ जी, इन्होंने अपने परिवार सहित तो सब ईमान लेके आए, तो जो गुरु थे उनके शंभुनाथ जी, उनसे नाता तोड़ दिया और उनके पास में गए नहीं, तो फिर उनको तो होगा अंदर नाराजगी होगी। चर्चा का सुख पाएंगे रहिया मोमिनों के काम, इसलिए वो चर्चा में यहाँ आने बैठने लग गए, मोमिनों की भीड़ में जमात में आकर मिल गए सुंदर साथ में। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, अब दूसरे सज्जन मिले जिनका नाम था गोविंद व्यास, समझे, और वो वल्लभी संप्रदाय के हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करते हैं, बहुत विस्तार रूप से सबको उनको सुनाते हैं और उनके अनेकों भक्त हैं। इन्होंने भी सुन लिया कि हमारे यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी आए हैं, उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। देखा, उन्होंने आकर के चर्चा सुनी, उन्होंने भागवत के रहस्य खोल दिए आकर के, किसने? श्री प्राणनाथ जी ने जब भागवत के रहस्य खोल दिए, वो एकदम हैरान हो गया, कह रहे हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े ज्ञाता हैं, हम तो चर्चा वार्ता करते हैं, ये रहस्य तो हमने आज तक समझे ही नहीं है, जाने नहीं है। बस अंदर में उनके अंदर में हलचल शुरू हो गई, कौतूहल जगा, हम भी सुनेंगे, हम भी समझेंगे जाकर के। इन समय भागवत की ऐसे समय वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य है ना, बहुत बड़े आचार्य हैं वल्लभा, इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का टीका किया हुआ है, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम टीका है वल्लभी आचार्य का, जिसके अंदर में परम धाम की इन सखियों का नाम लिखा है, इंद्रावती, सुंदरबाई, इन सखियों की बातें उसके अंदर लिखी, बहुत मीठी है, इसलिए पिया प्राणनाथ ने कहा कि मीठी वल्लभाचार्य वाणी, बहुत मीठी है, सबको उपयोग की है। इन्होंने आकर के इनसे चर्चा सुन करके, उनसे प्रभावित होकर के समझा कि हम भी कुछ इनसे प्राप्त कर ले। इनकी टीका मिले कागज, उनके टीका में वल्लभी संप्रदाय के अंदर में, टीका के अंदर में मोमनों की बातें लिखी हुई थी। इनको कुछ
इनको कुछ नहीं खुलता है और विद्वान है, बताइए आप, इनको कुछ भी नहीं खुला, उसका रहस्य नहीं खुला, अंदर का गूढ़ भाव नहीं खुला, अंदर की जो छिपी हुई रहस्य बातें इनको नहीं आई समझ में। ऊपर की चर्चा तो सब सुनाते हैं, ऊपर की चर्चा से सबको लुभाते हैं, लेकिन जब इन्हें प्राणनाथ जी ने बात की, चर्चा सुनाई, तब इन्हें कहा कि अरे इसमें तो गूढ़ ज्ञान वास्तव में 40 प्रश्न हैं इसमें। उन्होंने देखा तो जल्दी से उसमें से उतार के लाए, फिर जल्दी से जिनको भी समझना हो अभी समझ सकता है, प्राणनाथ जी विराजमान है, जल्दी से उन्होंने 40 प्रश्न उसमें से निकाले, उतारे, जो जटिल हैं, कठिन हैं, अच्छे अच्छे ज्ञाता नहीं समझ सकते न समझा सकते हैं, उन प्रश्नों को लिखा और आ गए प्राणनाथ जी के पास में। देख लो साथ जी, आप देखते आ रहे हैं ठट्टा नगर में चिंतामणि जी को, आप देखते आ रहे हैं लालदास जी महाराज जी को, आप देखते आ रहे हैं, अब जहाँ जहाँ भी गए हैं उन सामने आकर के प्राणनाथ जी, जिनको अंदर प्रेम था, जिनके अंदर में जिज्ञासा थी, वो तो आके समझने लगते हैं, उनकी कार्य पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही इनके अंदर में कोई प्रकार का मेल नहीं है, ये चाहते हैं कि अपना कार्य संपन्न करें या इनसे अपनी बात को पूछें। 40 प्रश्न लिख करके आए और इनको पूछते हैं, ये जो दलाल बल्लभ रहे अपने साथ, उनके साथ में रहता है, नाम बल्लभ दलाल है, यहाँ उल्टा लिखा जाता है, कभी भी आप कभी देखोगे ना, बाहर यदि आपको जाना है अदर कंट्री में, तो आप जिस नाम से है ना, आपका नाम बाद में लिखेगा, आपकी जाति पहले लिखी जाएगी, ऐसा रहता है ना। इस तरह से दलाल बल्लभ वो आए इनके साथ में, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो मेहनत कर ले आया, मेहनत करके लाए, आकर के शिव जी के हाथ में दिया, इसका मायना कर दो, इसका अर्थ कर दो। देखिए कितनी बड़ी कृपा है, बोले बैठो, और बैठ करके उनके सामने हाथ रख दिया, बताइए, बोले चलो बोलो, हाथ रख दिया सर पर स्वामी जी ने, बोले बोलो, बोलने लग गया, हैरान हो गया, हम तो परेशान थे, और इन स्वामी जी की नज़र पड़ी और कृपा दृष्टि हुई, हाथ रखा गया, क्यों बोलते हैं अपन लोग पंजे वाले की, ये पांच हैं, इसी में पंच शक्तियां हैं राज्य महाराज जी की, साथ जी इसके अंदर में सत है, चित है, अनंत और अद्वैत है, इसके अंदर बहुत बड़ी सेवा है, और पांचों शक्ति हैं, धनी जी का जोश, आतंतुलन, नूरकम, बुद्ध मूल वतन, ये सब इसके अंदर में सब भरा हुआ है। राज्य ने आप या इंद्रावती जी ने हाथ रखा, बोले खोल, वो खोल, खोल गई, इनको तिन से समझाया, बोलो बड़ा सुख, उनको उनसे समझा दिया, तुम हमारे सामने बैठो और हम खुलवाते हैं, खुलवा दिया। सो तभी कदमो लगा आया साथमी ने, हो गया धन धन, हम तो इतना समय हो गया उलझे हुए थे, हमें समझ में नहीं आता था, आज तो हमारी आँखियाँ आप आँखें खोल दी, चरणों में आ गया, प्रणाम कर लिया उसने, तब जाल के लश्कर के लगे निंदा करने, एक नहीं दो नहीं ऐसे लोग आने लग गए, तो दज्जाल कौन बन गया, दूसरे लोग जो इच्छा पूरी नहीं होती है उनके कोई ना कोई बीच में व्यवधान हो रहा है, उनके भक्त जाने लगे, उनका इस तरह से नुकसान होने लगा, बस वो दज्जाल बन गए, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, शैतान तो कुछ करता है। वहाँ पर जो वाणी अवतरण हुई है मीठी बल्लवा चार्य वाणी, और उसके अंदर में चार पांच प्रकरण अवतरण हुए वहाँ पर, उन प्रकरण के यहाँ पर, और कलशवाणी का भी अवतरण हुआ यहाँ पर, कलशवाणी का भी यहाँ पर अवतरण होता है, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूँ तुमको ओरजासी सब भरम, ये प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है कलशवाणी का, कई वाणी यहाँ पर इस तरह से प्रकट होती है। कोई भरी बुरी कहने लगे काहू काहू भाई बेचारे, जिसके जिसके दिल की बात नहीं हुई बुरा कहने लगा, जिसको आनंद आने लगा वो अच्छा कहने लगा, बिना पहचाने बोलते हैं, कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदा कर, कोई लड़ने आ गया और कोई निंदा कर रहा है,
लेकर के, अरे बेकार के हैं बैरागी, ये तो हैं इस तरह से बुराइयां ढूंढते हैं। जब पावे दीदारे तब सुकर कहवे हक, आया लड़ने को, आया निंदा करने को और दर्शन कर रहे, बोले भैया बहुत अच्छा हुआ, शुक्र अदा करता है, धन धन कहता है कि हमें पाप से बचा लिया। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआरे। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साहब जी, ये वाक्य तब का भी नहीं अब का भी है, समझ गए नहीं। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआर। अब जिनको बर्बाद होना हो, जिसको इस संसार में रह करके और जाना हो नीचे के लोग में, निंदा करते रहो, बुराइयां करते रहो, इसलिए वाणी तो पढ़ते नहीं है। वाणी पढ़े तो निंदा नहीं करे, वाणी पढ़ते नहीं है, वाणी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो भी इनकी निंदा करेगा बस वो तो खुआर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मानव तन मिला है उद्धार होने के लिए मिला हुआ है, और यदि उसने ये समय गंवा दिया, दूसरी बार मिलता नहीं है, वो निश्चय करके बर्बाद होएगा। ये तो साधक बड़े हैं तरफ धरी निर्धार। देखा, ये आप कम मत समझना, बहुत बड़े साध हैं तरफ धनी निर्धार। इनके तरफ कौन है? धनी है। इनके साथ कौन है? पिया है। इनके साथ राज्य हैं, और हल्के नहीं समझना, निर्धार निश्चित करके इनके साथ में पिया हैं, राज्य हैं। इसलिए इनको आप छोटा हल्का मत समझना, इनकी निंदा जो करेगा सो आप कुछ समझ लेना। अब दूसरे जन है मानक भाई आए दर्शन करने के लिए, इनको चर्चा सुनते हुए नहीं पहचान। चर्चा सुनते सुनते पहचान होती है, कोई चर्चा को लेने के लिए आता है और कोई जो है सुनने समझने के लिए आता है, जो जैसा आता है, लेकिन इच्छा सबकी पूरी होती है। बिहारी दीन समय पाती लिख भेजे कला। अब यहाँ पर प्रसंग आए बदला, बिहारी जी ने श्री नौतनपुरी धाम जामनगर से उन्होंने पत्र भेज दिया, लिख करके आया वहाँ से श्री महाराज के ऊपर में। क्या लिखते हैं? तीन बात का बंधेज हम किया स्थान। देखा, वहाँ नलिया में बैठे, वहाँ विधान नहीं बनाया, वहाँ कानून नहीं बनाया। जब लौट के चले गए, जब उन्होंने अपने नागजी भाई से, अखई से, संग जी से, इन्हों से उन्होंने सलाह की, क्या किया जाए, यहाँ तो कोई कैसे आएगा, क्या करे, पवित्र कैसे होगा, नहीं तो सब धाराभाई बन जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत कानून बनाया, तीन बिंदु बनाए, तीन पॉइंट, सुनिए आप। मैंने तीन बंदेज बनाए हैं, तीन नियम बनाए हैं, और आशा किसकी करते हैं? महाराज की। बनाए इनने हैं, लागू कौन करवाएगा? महाराज। बोले हमारे बस की नहीं है, हम हमसे तो इनसे तो रूठे हैं सब लोग, इनसे नाराज हैं, कौन किसकी बात मानेगा? तो बोले हमने तीन नियम बनाए। अच्छा किया बिहारी जी, तीन नियम बनाए, सुनाओ कौन से हैं? सो तुम भी कीजियो, ये बात बहुत सी है। ये बहुत ऊंची बात है, श्रेय मत ऊंची बात, श्रेष्ठ बात है, तुम वहां पर करना, और जब तुम करोगे तभी यहाँ होगा। देखो, ये बात तुम करो तो हित भी आन फिरे। बोलो, ये बात तुम उत करो, मतलब तुम लागू करो, तो यहाँ पर आकर के फिर वो चालू होगी। तो फिर किस तरह आपको अपने आप खुद समझ लेना चाहिए कि सुंदर साथ आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। सुंदर साथ आप प्रेम नहीं देते हो ना, इसलिए सब प्यार के भूखे हैं। प्यार नहीं दोगे तो आपको इसी तरह से दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। सही बात तो ये है। तो तुम यदि वहाँ पर ये कानून को, इन विधान को, अथवा ये जो हमने बनाए हैं, इनको आप यदि वहाँ लागू कर दोगे तो यहाँ भर भी लोग सुनो कर देंगे। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं ताल। नंबर एक, कोई नीची सबसे आ गया नीच जाति, क्योंकि धाराभाई छोटी जाति का था, याद रखिएगा। तो बोले एक तो छोटी जाति को मंत्र नहीं सुनाना, और दूजे राणे स्त्री को, तीजे कहे हम दो, और दूसरा जो है जो विधवा स्त्री है उसको मंत्र नहीं सुनाना। और उनने देख लिया कि यदि हम लिख देंगे कि मंत्र हम अकेले सुनाएंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। बोले तुम और हम, हो गया नहीं, हम ब्रह्मास्मि उत्तम असि ब्रह्म, समझ गए।
कि हम अकेले करेंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी कि अकेले कर रहे हैं। तो बोले तुम भी, मैंने आज तुमको छूट दे दी, बता कि तुम भी और हम भी दोनों के सिवा तीसरा कोई मंत्र ना कह देवे, ये ख्याल रखना। यह तीन बात को जरूर कीजो। हमारी यह बात अभिलाषा इच्छा है कि तुम इन तीनों बातों को जल्दी से वहां पर लागू कर दो। धर्म उज्जवल देखियो, कोई करे न निंदा कित। इससे धर्म पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, कभी कोई किसी प्रकार की निंदा नहीं करेगा। ये बात पार्टी की सुन के श्रीजी लिखी खबर। श्रीजी साहब जी ने पत्र को पढ़ा, सुना, समझा और मन ही मन में कुछ अंदर विचार आया, अब जवाब लिखा। क्या जवाब लिखते हैं सुनो। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की दृष्टि नजर। बोलो श्री प्राणनाथ निजान। गूढ़ ज्ञान कैसे मिलेगा? तुम बाहर की दृष्टि छोड़ दो, अंतर की विचार करो। आप जब जब वाणी को बाहर की दृष्टि से पढ़ोगे, अंदर में उथल पुथल होता रहेगा, अंदर स्थिरता नहीं आएगी। अंदर से लो मायना, क्योंकि यहां सारे काम बातूनी हो रहे। अंदर की बात लो, कौन सद्गुरु धनी देवचंद जी महाराज जी, अंदर की बात नहीं पहचानी आपने, ऊपर की क्या तुम, ये लौकिक दृष्टि है। अभी रुक जाओ, अभी ये तो ये लौकिक दृष्टि है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए हमारी बाहर नजर में क्या दिखता है, छोटा है, गरीब है, ऊँ, ये नहीं देखना हमें। ये बाहर की दृष्टि है, चाम की दृष्टि है, हमें अंतर की दृष्टि देखना है। अंतर की दृष्टि खोलो तो उसके अंदर में क्या दिखेगा, जो हमने आपको पहले बोले सब आत्म एक दिखेगी आपको, सब दिखाई देंगे कि मूल मिलाव में बैठी हुई हैं, धनी की चरण में बैठी हुई हैं। ये दृष्टि तुम ऐसा करो, सद्गुरु ने आपके सामने बताया था। जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखे बनाए हम देते हैं, यदि अंतर से विचार करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। तीनों कानून को, तीनों बातों को हम लिख करके भेजते हैं जवाब। सुनो आपको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी, मतलब पुनः करके विचार करना। जैसे वो बंद कानून बनता ना, बोले भैया फिर से विचार करो, पुनः विचार किया जावे। तो उन्होंने कहा भैया पुनः विचार करो, पहली बात तो ये धर्म किन्होंने चलाया, ये सारे नियम किन्होंने बनाए, धनी श्री देवचंद जी कौन है, आपके पूज्य पिता श्री। देखिए आप धनी श्री देवचंद जी सब सुंदर सात के धनी हैं, सब ब्रह्मंगनाओं के प्रीतम धनी हैं वो, और आपके पिता श्री हैं, ये भी समझ लो आप। उन्होंने इस राह को निजानंद को धनी श्री देवचंद जी निजानंद तिन प्रकट करी संप्रदाय, ये तिन थे हम यह लखी हैं, उनसे हमने प्राप्त किया है, समझे नहीं। आपके पूज्य पिताश्री ने और यह राह को अग्रसर किया है, बढ़ाया है। आप एक कोई पॉइंट बिंदु बता दो, उन्होंने कभी जाति भेष के ऊपर में कभी भी कुछ कहा हो, किसी को कोई प्रकार का दुख दिया हो, जाति भेष को ऊपर उन्होंने कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं की, जाति भेष पर किसी को टोका नहीं, किसी को रोका नहीं, किसी को मना नहीं किया है, और किसी को भी और आपने नाराज नहीं हुए हैं। उन्होंने जाति भेष पहले ही बोल दिया, आप प्रमाण देखिएगा। जहां अंकुर देखा, अंकुर परमधाम का अंकुर देखा, वहीं पर उन्होंने तुरंत बख्शीश दिया, आशीर्वाद दिया, तुरंत उनके ऊपर में अपनी पहचान करवा के तारतम दिया उसको। सो देखो तुम जाहिर फौजी भाई मुसलमान। अब तुम हमने अंतर बताया और जाहिर भी देख लो, खोजी भाई नाम था वो मुसलमान थी एक नंबर, दूसरी वो विधवा भी थी, एक से दोनों बात बता रहे हैं। खोजी भाई यमन मुसलमान थी और वो विधवा भी थी, बोलो उसको उन्होंने बना बोलो सबके सामने उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, रही भाई की वासना है परम धाम की, सबके सामने। और तुमने उनके वचनों पर जरा भी गौर नहीं किया, आपने सोचा नहीं है कि सद्गुरु महाराज जी ने राह बनाई है, उन्होंने ये संप्रदाय चलाई है, उन्होंने ये किया है, और तुम उसको तोड़ रहे हो और तुम नया कानून बनाने बैठ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो?
सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेद पर ना ही। उनकी दृष्टि कभी भी न जाति न भेष न भाषा उन पर कभी कही थी कि लीला अखंड है, निज परम धाम से आई है और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड के अंदर में न इंद्रावती दौड़ेंगी और ना बिहारी जी दौड़ेंगे, समझे नहीं, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर में लीला फैली हुई है और हर जगह पर मोमिन सुंदर साथ आए हुए हैं। तो इसको बोलो कौन कहेगा, तुम कहोगे कि हम कहेंगे, कहाँ तक कहेंगे? क्या लीला के प्रताप ते होए बता ब्रह्मांड, इस लीला की वजह से पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। सो हम तुम भक्त को कहाँ तक कहते फिरे, कहाँ तक कहेंगे हम तुम बिहारी जी महाराज, हम तुम और हम कब तक कहेंगे तारतम को, इसको तो बताना पड़ेगा। जिस तरह से एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और वो सेम बराबर ही दिखता है, फिर ये नहीं कह सकता कौन से दीपक ने कौन से को जलाया है ना। गुरु कंचन गुरु पारस है गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो अपनो समान। इस तरह से सतगुरु महाराज जी की बात को समझो आप, उनके वचन का पालन करिए आप। यहाँ पर इस तरह से उनको लिख करके भेज रहे हैं, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, छोड़ दिया बंधन मुक्त कर दिया। जिनको भी आज भी निरानंद के अंदर में जिसको जहां उचित लगता हो वहीं उसके पास में जाकर के आप मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये कृपा देखिए कितनी अच्छी उन्होंने व्यवस्था बनाई है। नहीं तो कहते भैया उनके बिना कोई दूसरा नहीं दे सकता है, उनके बिना कोई नहीं दे सकता है। जहां पर देखो और वहीं पर एक दूसरे का प्रेम बना हो, हम तुम नहीं कहेंगे। इसलिए बिहारी जी महाराज हम आपसे पुनः करके कहते हैं, निधाम परम धाम का जो अंकुर होवे वहां पर ऊंचा नीचा नहीं गिनना, ऊंचा नीचा नहीं करना, छोटा बड़ा अमीर गबीर नहीं करना। ये हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, बहुत समझा करके लिखा। ये देवचंद्र जी कहीं आत्म दृष्टि की ना ये हमने राह चलाई न जहाँ भक्त प्रकट हो। अब देख लीजिए आप, उन्होंने यही बात कही है, जहाँ भक्त प्रकट कभी मत गिनना। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ऊंच नीच की बात आई है और वाणी के अंदर में आया, यही प्रसंग आया वाणी के अंदर में, कौन सा आया? एक भेक विप्र का दूजा भेक चंडाल, पढ़ना अब कलश वाणी के अंदर में, एक भेक विप्र का दूजा भेक चंडाल। अब जो है जो विप्र है, विप्र मतलब पंडित है, उसने क्या किया, सुंदर वस्त्र पहन लिए, बगला जैसे पहन लिए, पोथी दबाई, बोलो आप, टोपी लगाई, चल दिया। पंडित जी गए और उन्होंने कहा हाँ पंडित जी आए हैं, हो क्या गया? इन पंडितों को बुराई नहीं है, जो भी सुनता और समझ लेना भैया, क्योंकि ज्यादा सुनने वाले थी, किसी को एक समझ नहीं आया, किसी को एक शब्द समझ में नहीं आया। पंडित जी बड़े ज्ञानी, वाहो इतने बड़े पंडित आए हैं, काशी से आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कई किए जा रहे। पंडित जी फूल गए, एक हार पहनाया, अभी एक शब्द नहीं आया, पापन निवारती हो जते हिताय, गोहाम निगोहती आपद गतम चान जहाती दलादि काले स्वाहा। बोले पंडित जी आहा क्या ज्ञानी है यार, पूछ देंगे तुम। वो अगले दिन दो माला पहना दी और एक आसन दी थी, डबल दे दी, दो दे दी। इसलिए पंडित जी ने क्या, सब बैठे हैं, चाहे इनको जैसे बजा दो, जैसे बजाओ, चाहे वैसे बजाओ, जानता कोई नहीं है, अपने पकाओ चल जाओ। यहाँ पर इतनी कड़ी बात कही है कि एक भेक विप्र का है और दूजा भेक चंडाल है। चंडाल मतलब शूद्र, समझे नहीं। वो क्या करता है, वो रात दिन मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। शूद्र को देखो आप, चमड़े का काम करे, कुछ भी करे, लेकिन उस समय क्या होता था, मंदिरों में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता है, यदि नाम ले लिया तो फांसी लग जाए। उसने इतनी बेकार व्यवस्था थी। अब वो क्या करता है, छिप करके करता है, वो छिपके याद करता है, संग खेले भगवान रात दिन उनके साथ। महान कौन है बोलो आप? एक इसलिए स्वामी ने एक एक वाणी में कहा है, बिहारी जी की वजह से वाणी में इसमें आया है कि एक भी प्रकाश है और दूसरा भी चंडाल है। दोनों को समझ लिया, पढ़ना आपको उसका इतना आनंद आएगा,
बहुत आनंद आएगा, जिसका एक नमूना है, एक उदाहरण है। एक बार काशी के अंदर में तीनों महान संतों रैदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, तीनों एक साथ रहने वाले। महाराज श्री का है ये सूत्र जो आज बोल रहे हैं, ये महाराज श्री का सुनाया हुआ है, और हमारे यहाँ पर उन्होंने बताया, महाराज श्री ने बताया था ये। आज उनके चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, समझे नहीं। बोले एक समय में तीनों थे, तुलसीदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी। प्रातकाल का समय था, कबीरदास जी ने कहा, तुलसीदास जी मॉर्निंग वॉक में चलना है मॉर्निंग वॉक में सुबह टहलने के लिए। हाँ चलेंगे, आ गए, चलो चलते हैं। देखिए बोलते हैं रैदास को, रैदास सुनते ही उनके अंदर में फुरूरू आ गई, उधर कांटे खड़े हो गए। उसका रैदास का नाम सुनते ही तुलसीदास जी मोम बन गया। अब जैसे तैसे गए तो कबीरदास जी पास में जाते हैं उसको बुलाने के लिए, और तुलसीदास जी थोड़ी दूर खड़े होते हैं। उस समय रैदास जी अपने सुबह का काम कर रहा है, चमड़े का काम कर रहा है, समझे। और उसका एक छींटा उचका और जाके तुलसीदास के कुर्ते पर बैठ गया, बताइए बैठ गया उसके ऊपर में। अरे अब तो हम अशुद्ध हो गए, अब नहीं जाना मेरे को, हम नहीं जाना घूमने, नहीं जाना हमको, अब गए। अब उसको बोले फाड़ दिया, तोड़ दिया, लेकिन वो धोबी या धोए चाहे ऐसी रंगना चाहिए नहीं, नहीं छूटा वो। आखिर गुस्सा आ गई, उन्होंने दांत से पकड़ा करके इसको यार अलग कर दिया, और जैसे ही दांत में लगाया तो बिजली कौन गई, दांत में लगाया तो चार्ज हो गए वो। ओहो इसमें इतना आनंद है। अगले दिन अब वो बोलते हैं कबीरदास जी घूमने चलना। बोले कल तो तुम यहां भाग आए थे। बोले चलो। अब बोलते अरे उसको बुला लो रैदास को। बोले कल तुम वो बनाते थे, आज बना। अब वो जबरदस्ती जा करके उसके कुंडे के पास खड़े हो गए कि कल एक दाने में एक छींटे में हमारा ये हाल हुआ, आज तो पास में जाना है। और पास में गए, रैदास बोलते हैं वो हो गया कल, समझे नहीं, अब तुम जितने भी आओ वो निकल गया, समझ गए। उनके क्योंकि जो काम कर रहा है परमात्मा में डूबा हुआ है वो, समझो यार, जो भी काम कर रहा है उसके पल पल मुख के ऊपर में नाम रहता है, समझे नहीं। और हम लोग जो हैं अपनी अपनी बात करते हैं, हम दूसरे की बुराई करते नहीं हैं, हमारे मुंह में कभी तो आवे नाम, नाम बन जाना विद्वान, नाम बन जाना पंडित, नाम बन जाना ज्ञानी, छलनी होना चाहिए, बिल्कुल छलनी होना चाहिए। ये सब कह करके हमें अपने अंदर के अवगुणों को दूर करना चाहिए, अपने आप निर्बल होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर उन्होंने उनसे बोला कि तुमने क्या किया है, देखा नहीं है, छोटा भेद बड़ा भेद करके तुम बैठे हुए हो, अंदर का भेद समझना चाहिए भाई जी। इसलिए आपसे निवेदन है, बिहारी जी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप किसी की जाति मत देखो, किसी की पाति मत देखो, किसी को ऊंच नीच मत देखो। ये देवचंद्र जी हमको तुम आगे नहीं, तुम्हारे आगे बताया था कि महाराज ये सब ब्रह्मंगनाएं सब जगह पर आई, और आज अपन ने सुना है मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष, जुदे रवे, जुदे मुलक, जुदे जुदे में आए हैं, तुम्हारे आगे हमें बताया था उन्होंने, और तुमने उस बात को गंभीरता से विचार नहीं किया। सोई तुम सब साथ को, अब वही जो सदगुरु करते थे वही राय बताओ। तो ये राजनीति होए बड़ो प्रकाश, इसका बड़ा प्रकाश होगा, सब लोग ईमान से आएंगे, साफ सुंदर साथ जोड़ेंगे। बोलो श्री प्राणना जागनी की आस, प्रसंग आया सुंदर सा, जागनी, जागनी मतलब जागनी का प्रकरण, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथी घर की चारों को यामा भोग। ये जागनी का प्रकरण आया, और जागनी के प्रकरण में उन्होंने मालूम क्या क्या बोले, वैसे तो यहाँ पर प्रकरण में क्या क्या आया है,
यहाँ पर बैराट का कोहेड़ा, वेद का कोहेड़ा, अवतारों का प्रकरण, यहाँ पर गोकुल लीला है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं हुई राज्य महाराज जी की इसके अंदर में। तो हमें सब पर विचार करना चाहिए, सब पर सोचना चाहिए। जागनी की लीला के अंदर में जब जागनी का प्रकरण हुआ है, अब इस जागनी की प्रकरण के अंदर में अब जो बात आगे आने वाली है, जहाँ पर खटास होने वाली है, उसको सुनो आप। चारों वर्ण के अंदर में आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण में सुंदर सात आए हैं। ये बंधेज बंधेज होए कागज ताए, इसलिए इसको बंध में मत बांधो, बंधेज बांधने से काम बेकार हो जाएगा। इन भात की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी, बिहारी जी के पास में इस तरह की वृतांत लिख करके भेज दिया। और भेजी किताब कलश की, लेने मुसनंद की खबर। बोलो, ऊपर से कलश किताब और भेज दी साथ में। एक तो पत्र का जवाब ऐसा लिखा और दूसरा कलश किताब लिख दिया। अब बिहारी जी पहले दो किताब बंद कर चुके थे, तीन किताब, कि हम ना राश देंगे और ना हम प्रकाश देंगे, समझे नहीं, हम ना खटूती देंगे। अभी तीसरी फिर से भेज दी उन्होंने। अब बिहारी जी तो हालत खराब हो रही है। सुनके बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब। बोलो, बिहारी जी को दुख हो गया, सही बात बताई तो बिहारी जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। यहाँ पर रख दिया कलश वाणी को, नहीं मानी उन्होंने कलश वाणी को। और फिर क्या कहते हैं, देखा, सही बात बोलने पर ये हल होता है, तुम्हारी राह अलग, हमारी राह अलग, हम तुम दोनों अलग। और हमारी भी और भाई जुदा की ठोर। इस तरह से ऐसे प्रश्न पर यहाँ पर जुदागी हो गई साध जी। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, हम तो पहले से समझते थे, सदगुरु के समय से समझते थे कि तुम्हारे अंदर में वचन है, वाणी है, कलाम मतलब कि वाणी का ज्ञान, आगे कुछ ना कुछ करने वाले हो। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काहे तुम्हें इस धाम में। तुमको ही निकाल दिया, इस धाम से निकाल दिया, जाओ। इस देश उन्होंने कह दिया, हम जिन साथ को काढ़िया तिनको लिया बीच दीने। हमने जिन जिन को निकाला, तुमने अपने साथ जमा कर लिया, हमारा यकीन क्या रह गया फिर। तो तुमको हमारा छूट गया यकीन, हमारे हमारा विश्वास नहीं रहा तुम्हें। अब इसलिए हमने तुमको सुंदर साथ की जमात से अलग कर दिया है। हमारे तुम्हारे नाता नालिया जिन पाती करो मुझको। और बात छोड़ो कि हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं हो, तुमसे एक बात है, अब तुम पत्र भी मत लिखना। और मना कर दिया कि हमारे ऊपर में तुम्हारा पत्र नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आखिर में लिखें तो जरूर। इन भात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, पत्र लिखा तो सूरत में आया था वो। तब फिर दिए विचारिया ऐसा हुआ बखत, ऐसा सख्त बखत आ गया। बताइए, सही बात कहने के ऊपर में रुष्ट हो जाना और हमको ही अलग कर दिया है धर्म से। ये था तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे, जब ये हमको ऐसा लिख सकते हैं तो सुंदर सात और हैं, उन पर क्या बीतेगी। हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं सही है। तकसीर बोलते गुनाह है, हमसे कोई भूल गुनाह हमने नहीं किया है और हमें इन्होंने सजा दी है। इन समय सब साथ ने करी है मुसलहत, सब सुंदर साथ ने मिलकर के सलाह की है, इस वृक्ष में बैठ करके। बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय तुम तोल देखो। अब तोल के देखो, अब यहाँ पर प्रसंग हो रहा है कि सद्गुरु महाराज जी रामधनी किनके हृदय बैठे हुए हैं। कहिए श्री जी साहब जी तो तुम ले हो हक सिरका में। आप धाम धनी के धर्म का, सेवा का, सुंदर साथ की जागनी का सारा काम अब आप ही संभालिएगा। आपका काम है सुंदर साथ को जमा करो और धर्म के मार्ग पर लेकर के खड़ा करो उनको। कोई उनसे साथ में आया नहीं ईमान, सब बोले सुंदर साथ, सबको पता है, एक भी सुंदर साथ को नहीं जगाया उन्होंने, किसी वही को जगाए ना कोई, ना कोई ईमान लेके आया उनसे। आपने जिनको जगाया है उनको और ऊपर दुख देते हैं वो। चल चल आज की
करके काहू ना भाई पहचाने। बोलो हाँ सुंदर साहब जी, आया खुलासा यहाँ। चर्चा राज की करके, कभी भी राज जी की चर्चा नहीं की इन्होंने, लेकिन महामाती लालदास जी बार बार लिखते थे, वो चर्चा कर रहे हैं। आज कहना पड़ा खुलासा कि वो चर्चा नहीं कर पाते दीन इस्लाम के ऊपर। मैं सुंदर साथ को कभी जमा नहीं कर पाए। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, बल्कि तुम जिनको समझाते हो वो जा करके वहाँ से दुखी होके आता है। सो बिताल पाए के ये खाया हो सब शंका लेकर के आता है और दुखी होता है। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम में। इसलिए अब आपको क्या देखते हो, इतना समय हो गया देखते देखते देखते, आप बार हमेश उनकी मान सम्मान उनके ही पीछे लगे हुए हो। अब तो धाम का काम करो, अपने दीन इस्लाम का काम अपने सिर पर, अब दीन इस्लाम धर्म का काम आप लीजिएगा। सब सुंदर साथ जी ने इस बात को स्वीकार किया और सबने मिलकर के इस बात को सहमति दी और भीम भाई ने आगा करके हुए और फिर स्वामी जी को आपने तखत पर बिठाया। जब तखत पर बिठाया तो प्रकरण आता दया का प्रकरण। हवे ने हवे दसों दिस्तारी दया, हवे ने हवे दसों दिस्तारी दया, दया से सिंहासन, दया से चंवर, दया से मुकुट, दया से सब कुछ, धनी की दया से हो रहा है। ये हमारी आपकी नहीं है, ये धनी की दया है। चर्चा करके फिर ले लिया। साहब भीम भाई ने सबसे चर्चा की, देखो भाई ये काम करना है, सब लोग को स्वीकार है, सब लोग बोलते हम लोग तो कब से तैयार थे, परंतु आज सामने बात आ गई है, हम तो पूर्ण तरह से सहमत हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम। तो सुंदर सांत जी अब देखिए यहाँ पर सबने मिलकर के यहाँ पर ये काम किया, श्री मंगलपुरी धाम के अंदर में ये महामंगल में काम हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ राजी धाम धनी ने कर पकड़ बैठाए के आदेश दिया, मोहे अंग तादन थे पसी गया पल पल चढ़ते रंग। इस तरह से धामधनी ने आकर के खुद उनको वहाँ पर विराजमान कराया है। इसलिए हमने आपको बताया था श्री नौतनपुरी धाम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नया तन धारण किया है। कैसा नया तन धारण किया है, तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग नया तन धारण हुआ है वहाँ। जिस तरह से सतगुरु देवचंद जी महाराज जी और उनके अंदर में साक्षात राज जी और फिर यही दोनों मिल करके श्री इंद्रावती के अंदर में ये नया तन बोला जाता है, इसलिए नवतन है, समझे, नवतन पूरी हो गया। और यहाँ पर महामंगल में धाम कार्य हुआ है कि श्री इंद्रावती जी को धाम धनी ने अपना चुन करके उनके हृदय मंदिर में बैठ करके और सुंदर शोभा हुई, यहाँ पर उनका अभिषेक किया गया। सुंदर बेला में अभिजीत मुहूर्त के अंदर में आप श्री इंद्रावती जी को कर पकड़ बैठा दिया, हाथ पकड़ करके शोभा दे दी। अब देखिए यहाँ पर जब ये शोभा हुई तो इंद्रावती जी ने उसके अंदर में कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें बोली हैं। अब कलश की जागनी में पड़ी है। अब हम आज से क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी, अब हम सुंदर साथ को प्रेम देंगे, प्रेम लेंगे, प्रेम में जगमू साथ, प्रेम से सुंदर साथ को जगाएंगे। अब सुंदर साथ की हम खंडनी भी नहीं करेंगे, खंडनी कर खींचिए नहीं, क्योंकि खींचे बड्डे वासना ना जागे, इशारा करते उस तरफ में। खींचना मतलब डांटना, बड्डे मतलब डांटना फटकारना, डांट फटकार के सुंदर साथ नहीं जगेंगे। जागव्यानी जो जुगत, जगने की जगाने की कला अलग है, जगाने का तरीका अलग है, जगाने का सिस्टम अलग है। इसलिए अब खंडनी नहीं करना, दुख नहीं देना है इनको। और अब क्या करेंगे, दुख ना दो फूल पाखड़ी जो सुख शीतल दृष्टि जो, और जहाँ हमारे सुंदर साथ को जरा भी दुख आएगा तहाँ आड़ा दूँ मैं अपना अंग। ये पूरा प्रकरण है जागनी के प्रकरण में, सारी बातें आई हैं सर जी, हम संक्षिप्त में उसका थोड़ा थोड़ा बात बता रहे हैं। जागनी में सब कुछ कह दिया है। जिस तरह से जब कोई किसी गद्दी की शोभा बढ़ाता है तो ओथ लेता है, ओथ देता नहीं देता, यहाँ पर इंद्रावती जी ने ये कि सुंदर साथ को हम एक सब साथ करूँ मैं एक साथ, और वहाँ प्रसंग बोल दिया उन्होंने, ये जहर कर दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम कला। उन्होंने क्या बोल दिया धनी ने, मैं कहाँ हूँ,
इंद्रावती के अंग संग इसी प्रकरण में आया सांग जी, समझे नहीं। मैं दिया, मैं दिलवाया, धनी बोल रहे हैं, मैंने दिया है, मैंने दिलवाया है, ये सारी उपमा सारी शोभा इंद्रावती जी को धाम धनी ने दिलवाई है। इस तरह से ऐसे जागनी में ये सब बातें हो रही हैं, जागनी के प्रकरण के अंदर में विशाल रूप से। हमारा उद्देश्य यही होता है, सुंदर साथ को बीतक के साथ वाणी में लगो। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि बीतक यदि महामती लालदास जी की है, इस समय पर हम पूरी कलश वाणी को रखते हैं, यहाँ कलश वाणी को शुरू से लेके आखिर तक की एक एक शब्द को सूरत महामंगलपुरी धाम में मिलता था पूरा का पूरा। साथ जी आपसे निवेदन करें, ये बीतक हमारे लिए एक महीना में नहीं होती कभी भी, हम इसके लिए 6 महीना चाहिए, समझे नहीं। बहुत बड़ी है बीतक, बीतक नाच कर कूद के नहीं होती बीतक कभी भी। बीतक के अंदर में अपने मर्म में चलो, उसके अंदर में रहस्य में चलो आप। इसलिए श्री इंद्रावती जी ने यहाँ ये शोभा प्राप्त की है। जागनी के प्रकरण में सब कुछ बोल दिया उन्होंने, बहुत कुछ कहा है। तो अब उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र में क्या बोलते हैं, तुम हमको काढ़े साथ से, हम सर थिल पर लिया काम है। आभार। यदि हम स्वार्थ के लिए कहीं पर जाएंगे, अपने स्वांता सुख के लिए हम कहीं जाएंगे, हमारा कहीं भला नहीं होगा, कहीं भी अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, कभी नहीं होगा। हम यदि ऐसा अपना स्वार्थ तकेंगे, स्वार्थ में चलेंगे, तो हमारा काम कोई सीधा नहीं होगा, समझे नहीं। कभी भी फले नहीं, फलेगा नहीं। और साथ के वास्ते जो हम साथ मेहनत, और यदि हम सुंदर साथ के वास्ते मेहनत करेंगे, और जो सद्गुरु महाराज जी के वचन का पालन करके उस पर चलेंगे, हम जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें अंधेरा से उजाला मिलेगा। देखिए आप, अंधेरे में भी जाएंगे तो उजाला हो जाएगा, जहाँ पर भी जाएंगे कितने भी लोग बुरे होंगे वो भी निर्मल हो जाएंगे, वो भी पाक सफल हो जाएंगे जहाँ पर पड़ेंगे कदम। वो हमारे सीधा होएगा नदी के साहित। बस काम एक है, सुंदर साथ, सुंदर भाई का साथ है। इनके लिए हम जहाँ भी जो भी कार्य उचित करेंगे, अच्छा करेंगे, हर काम फलीभूत होगा, हर काम सफल होगा। इन भात का जवाब लिखे पाती मेघला में। देखा, और कुछ नहीं लिखा उन्होंने, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा, मात्र इतने लिखा कि धन्यवाद आपको कि आपने निकाल दिया है, लेकिन हम कभी भी आपको पीठ नहीं देंगे, हम कभी आपके विरोध में नहीं जाएंगे, सद्गुरु महाराज जी के विपरीत कभी नहीं जाएंगे, उनका ही कार्य करेंगे, सुंदर साथ की जागनी करेंगे। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम है। हम तो आप कमर कसली है, कमर कसली है मतलब तैयार हो गए हम तो निज धाम परम धाम के इस मार्ग पर चल करके जागनी के कार्य के लिए। इन समय साथ आया, अब महामती लालदास जी इस बीच में अपनी बात लिख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं महामती लाल। इस समय लालदास जी अब आ रहे हैं मंगलपुरी धाम सूरत तरफ आ रहे हैं, कैसे मुलाकात होती है उनकी देखिए। सुंदर साथ जी सुदामापुर मतलब पोरबंदर, सुदामापुर का नाम क्या है, पोरबंदर है, सुदामा की नगरी पोरबंदर बोली जाती है, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अपने कार्य व्यापार के लिए ठट्टा नगर गए थे। ठट्टा नगर वो तो अब बता रहे हैं कि हम कुछ समय के बाद में, क्योंकि जब पिया प्राणनाथ जी वहाँ से लौट करके आए तो उनको दूसरी बार लालदास जी से मुलाकात नहीं हुई है, आप आ गए वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे, शांत नहीं बैठे हैं, तो बोलते हम रहते थे ठट्टा नगर में, वहाँ से अपने घर मुलक लौट करके आए, जब सुदामापुर पोरबंदर आए तब वो बोल दिया 1727 में हम सुदामापुर पोरबंदर गए थे। एक दूसरे भीम भाई हैं, समझ नहीं, एक भीम भाई सूरत में मिले, एक भीम भाई यहाँ पर मिले, तीन भीम भाई हैं सांझ जी, समझे। तो ऐसे वहाँ हमें भीम भाई और पीताम्बर भाई मिले, मिले चर्चा देखी जब। उन्होंने ठट्टा नगर में ही हमारी चर्चा वार्ता सुनी थी, तो वो दोनों यहाँ पर साथ में आए थे, यहाँ चर्चा उनसे होती थी। उनको तारतम सुनाया, दोनों आकर के धर्म में प्रविष्ट हो गए थे। कोई दिन
पीछे देखने सुनाया सुनीता तारतम उनको सुनाया गया बाद में ये दो उजले तभी सोप चुके आतम इसलिए निधाम के मार्ग पर दोनों भीम भाई पीताम्बर भाई अपने आप को समर्पित कर चुके थे तब दज्जाल समय करने लगा और उसी समय पर दज्जाल आ गया। दज्जाल सोना दज्जाल का रूप अलग अलग होता है वो शोर शराबा करने लग गए बस बिठलेश्वर गुसाई के यहाँ पर निंदा करने लगे ये पता नहीं कौन सा धर्म आ गया है हैं ये कैसे हैं लालदास जी ये किस तरह से हैं लक्ष्मण सेठ ये क्या करने लगे हैं हमारे लोग उनके पास जाके चर्चा सुनते हैं ये कोई भी करेगा सबके ऊपर में इस तरह से अंदर हलचल हो जाती है। बल्लभी संप्रदाय का गुजरात के अंदर बड़ा बोलबाला था उस समय पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी भी आए थे तब भी बल्लभी संप्रदाय के लोग थे इनके साथ में कुछ ना कोई प्रकार का इस तरह से कुछ ना कुछ टकराव हो रहा है। ये कौन सा नया मार्ग आया है हमारे सेवक इनके पीछे चले जाते हैं हमारे पास रहते नहीं और क्या बोलते हैं वो लोग हमारा तो पुराना है चारों खूंटों में है लेकिन ये तो अभी आया है और हमारे सारे भक्त इनके पास चले गए भाई ऐसा कौन सा आए हैं साधु जन कि जो हमारे इन भक्तों को ये ज्ञान दे करके अपनी तरफ ले जाते हैं। दर्द सिर्फ इतना ही रहता था हर किसी को दर्द इसका था कि जितने भी ज्ञानी थे उनके भक्त जो है उठ करके यहाँ पर आते थे इसलिए उनको पीड़ा होती थी और पीड़ा होने पर वो लोग झगड़ने को तैयार हो जाते थे। श्री राज्य के दर्शन की होवे चर्चा जो और यहाँ पर तो राज्य का दर्शन होता है और चर्चा बड़ा जबरदस्त हो रही थी लालदास जी के पास में दज्जाल की करे अपनी सिपाही अब क्या करें वो अपनी सिपाही मतलब अपनी गिरोह है अपनी जमात में बैठ करके निंदा के सिवा कुछ कर नहीं सकते थे निंदा करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ निंदा करने का तरीका देखिए अब आप नया तरीका बोले भैया ये पता नहीं कौन नया धर्म आया है धर्म उधरियों क्या नाम रखा उन्होंने ये धर्म का नाम उधरियों मतलब चूहा गुजराती में चूहे को उंदरू बोलते हैं समझे नहीं बोले ये चूहे वाला धर्म पैदा हो गया नया भैया निंदा करना है लोगों के साथ में कोई बुराई करना है क्यों भैया ऐसा क्यों हो गया बोलो भैया भैया ये क्या करते हैं कि उनके सामने पूजा करते हैं और उनके साथ थाल रखते हैं पर्दा लगा देते हैं और फिर बोले चूहा आता है मूसा आता है उंदरियों आती हैं उनके पैर में घुंघरू बांध देते हैं बोले कृष्ण जी आए निंदा कर रहे हैं देखिए आप लोगों की हद है क्या से क्या बात बना लेते हैं उनके पैर में घुंघरू बांध देते हैं पर्दा करते हैं चूहे आते हैं बोले कृष्ण जी आए दर्शन दे रहे ऐसी निंदा कर रहे थे कारण क्या है भैया ऐसा है हमारे यहाँ पर आज भी गुजरात तरफ में जब पर्दा लगती है भोग लगता है तो पुजारी जी अंदर से घंटी बजाते हैं भैया भोग बोलो मुख से नहीं कहेंगे घंटी बजा दी होता भोग बोलो अब उनको कोई ना कोई निंदा करनी है बात का पतंगड़ बनाना है बात को पैदा कर देना है और लोगों को बहकाना है। आज भी आप यदि जाओगे ना पोरबंदर सुदामापुर और वहाँ पर आप किसी से बोलोगे लालदास जी का घर है जहाँ राज्य की सेवा है पोरबंदर में मूल घर है लालदास जी महाराज जी का और उनके घर से लगा हुआ महात्मा गांधी का घर है बीच में मात्र एक दीवार भर है एक दीवार इस तरफ मंदिर और इस तरफ में उनका कीर्ति मंदिर कहलाता है वो है इसलिए तो वहाँ पर पुतली भाई अथवा उनकी माता जी रोज वहाँ दर्शन करती थी वो बंदगी और सेवा करती थी उनके साथ में महात्मा गांधी वहाँ जाया करते थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी कुरान भी होता है यहाँ पुराण भी होती है यहाँ वेद भी होता है यहाँ पर निजानंद भी होता है यहाँ पर तो सब एक साथ बैठ करके बातें करते हैं इसलिए उनको वहाँ पर मिल गया। हमारे यहाँ बोलते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है समझ गए हमारे यहाँ बोलते ना सोई खुदा सोई ब्रह्म बोलते नहीं बोलते उसको उन्होंने क्या बोला उनको बोल दिया है ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम उसको एक वाक्य में बोल दिया कि वही ईश्वर वही अल्लाह है
और उन्होंने उन्हीं का पूरा सिद्धांत लिया मोमिनों का, सत्ता हिंसा वाला, जो 12 मोमिन दिल्ली के अंदर गए थे अहिंसा का, वही उन्होंने सत्याग्रह का पूरा पाठ लिया है महात्मा गांधी ने। और वाणी में जो कत्तन का दृष्टांत आया है चरखा का, कातने का, सूत कातने का, वो भी आज उनके यहाँ वो चरखा रखा हुआ है, बताओ। और सूत काटते थे वो, क्योंकि यहाँ वर्णन चलता था सूत कैसे काटना, मतलब ध्यान कैसे करना, भजन कैसे करना, श्रोता में कैसे लगाना, ये सब बातें उन्होंने, ये बीच में आई तो बता रहे आपको महात्मा गांधी, इसलिए वो प्रणामी थे, उनकी माता प्रणामी थी, और इसलिए उनकी समाधि पर आज भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राजघाट है कि नहीं, हो रहा राजघाट है, राज का राज वही जानते थे, समझते थे। चलो साथ जी, प्रसंग बदल जाएगा, इस तरह से आप श्री लालदास जी महाराज जी इस तरह से वहाँ करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आप जाओगे वहाँ पर आज भी, पोरबंदर जाओगे और वहाँ बोलोगे हमको कृष्ण प्रणाई मंदिर जाना, कोई नहीं ले जाएगा आपको, कोई पता नहीं बताएगा, और आप बोल दोगे उंदरियों मंदिर जाना है, बताइए आप, पूरे शहर के अंदर में फैला हुआ है, हमें उंदरियों मंदिर जाना है, तो छोटा बच्चा भी आपको बता देगा उंदरियों मंदिर, क्योंकि वो हाथ से तब से चल रहा था कि उंदरियों मंदिर, चूहे का मंदिर, चूहे का मंदिर करके। इस तरह से एक प्रसंग आया, उसकी बताई है, तो इन लोगों ने इस तरह से बदनाम किया, उनकी जो है अनेक प्रकार के जो है तर्क वितर्क करते रहे, आगे ना कहते हमारे घर में कृष्ण जी आते हैं, आरोने के लिए आते हैं, और बस ये अरगा करके पैर में बांध देते हैं घुंघरू, और बोले देखो आए हैं, तो ऐसी निंदा वहाँ पर होती थी। इन भात शहर में निंदा जिस दिन होए, जिस दिन शहर के अंदर में, पोरबंदर के अंदर में, सुदामापुर में ऐसी निंदा होती थी। पूछे कृष्ण भागवत के ताको न कहवे कोई, देखा, और जब कोई भागवत के प्रश्न पूछे, सो भक्ते थे इधर सुधर, बोले लालदास जी बताएंगे, बताओ, उसके लिए लालदास जी बताएंगे, जवाब किसी को आता नहीं है, ऐसे चाहे निंदा कर रहे और प्रश्न हल करना हो तो आइए लालदास के पास में। किसी को अच्छी लगती है चर्चा, किसी को बुराई लगती है चर्चा, कोई अस्तुत करे जो देखे आए के, आकर के जो जैसा देखता है उसको वैसी अच्छी लगती है, वैसी बुरी लगती है। लालदास जी महाराज जी अपनी पूरी हकीकत बयान कर रहे हैं, इस तरह से वहाँ पर नित्य प्रति होता रहा। कोई भी जवाब नहीं दे सकता है, निजानंद के अंदर में वो आनंद छिपा हुआ है, वो आनंद कोई खोज नहीं सकता है बिना निजानंद के, किसी को जवाब नहीं आता। इस तरह से भीड़ होने लगी, अब निंदा करते करते एक दिन निंदा वाले थक जाते हैं और वो खुद आके खुद बैठने लग जाते हैं। गोपी साथ में आई, नाम है, कितने नाम है, आगे नजर डाला करो थोड़ा, बोलो श्री प्राणनाथ। आज तो भजन भी नहीं बोल पाए अपन लोग, इतनी चर्चा मस्त हो गए बिहारी जी के। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री तरस तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे श्री प्राणनाथ। प्रसंग बहुत लंबा है, थोड़ा खींचना है, पीछे बहुत है। लालदास को इन समय वही माया की उलझन, अब लालदास जी के पास वहाँ क्या हुआ,
उनका इतना बड़ा व्यापार था, उस व्यापार में उनको नुकसान हो गया, हानि हो गई। जब हानि हुई तो 99 जहाज इतने बड़े, अब बहुत बड़े सेठ, और एकदम से नुकसान हो गया। उस समय पर होता क्या है, जिनको लेना है भीड़ आ गई, और जिनको देना है भग गए। अब लालदास जी करें तो करें क्या, उन्होंने छोड़ दी माया, माया को तिलांजलि दे दी, और उनको बस यही आया कि धनी का हुक्म है, घर छोड़ करके आपने चल दिया कि हम नौतनपुरी जाएंगे श्री बिहारी जी के पास, उनके दर्शन करेंगे और फिर हम जो हैं अनाज लेंगे। नियम रख लिया उन्होंने कि दर्शन करेंगे तब अनाज हम लेंगे, इस तरह से वहाँ से चलते हैं। इनको राजे काल के चाहिए कदमो पहुंचे मोमिंद। किसने निकाला माया से, राज्य ने निकाला, क्या बंधक बनाया, क्या रूप बनाया उनको निकाल करके कि ये सेवा में आ जावे। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जो बहुत जबरदस्त धक्का हो गया उनको, दज्जाल जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। तो दज्जाल जो है ना लेने देने वाले परेशान करने लग गए, इस तरह से छोड़ के चले आए आप। हाथ में तब माया दिया छोड़, जब कुछ रहा नहीं माया छोड़ के चल दिए, तब नजर कई तरफ राज के चित्त माया से लिया मोड़, माया से अपना मुंह भंग कर लिया और राज्य की तरफ में चल पड़े। अन्न का नेम लिया जब मैं करो दीदारे, जब मैं दर्शन करूंगा नौतनपुरी जा करके श्री बिहारी जी के, तब मैं अन्न को ग्रहण करूंगा। नौतनपुरी जाएंगे देखो धनी ने उधारे, जा करके धनी का दर्शन करेंगे, तब लो अनाज ना ले तो लो करो फल आहार, तब तक फलहार करेंगे तब तक अनाज नहीं लेंगे। इन भात चलने लगे ऐसा किया विचार, ऐसा विचार किया लालदास जी, अपनी हकीकत अपने हाथ से लिख रहे हैं। जब मांगरोल पाटन आए पहुंचे, अब वहां से चल करके मांगरोल पाटन आए, और वहाँ से फिर उनको जाना था नौतनपुरी, तो वहीं पर दज्जाल बैठा था, उसने मना कर दिया। कहाँ चल दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत, बोले उसको पता था, कहे तुम जाओ सूरत, बोले उसको पता था कि इनके साथी कहाँ गए, इतना जानता है, उन्हें तुम सूरत जाओ, सब लोग सूरत गए हुए हैं, वहाँ गए हैं शिव जी साहेब जी। बहुत उनने कहा कि हमको एक बार नौतनपुरी जाने दो, एक बार बिहारी जी के पास में हुआ है, लेकिन उस तरह से बहुत जिद्द हुई, बहुत बहस हुई, आखिर करके वहाँ से उन्होंने छोड़ करके और मंगलपुरी चल दिए। राज्य की इच्छा थी कि वो हमारे पास में आवे, इसलिए इस तरह का बहस दज्जाल से हुआ। पंद्रह दिन दीप बंदर में आकर के जयरामाई कंसारा के यहाँ पर रहते हैं, 700 मुलाकात करी, फिर भोगे पहुंचे, फिर वहाँ से घोगा होते हुए और फिर आप सूरत पधारते हैं। कहाँ से नाव चढ़ते आए बंदर सूरत, सूरत बंदर आप पधारते हैं आकर के लालदास जी महाराज जी, संबत 1729 से यहाँ आए पहुंची सर, संबत 1729 के साल में आप मंगलपुरी धाम सूरत में आके पहुँचे। बोलो श्री प्राणनाथ महामती श्री लालदास जी महाराज की। लालदास जी महाराज जी की पुनः करके अब दूसरी बार मुलाकात हो रही है, आके चरणों में प्रणाम किया। नेम था अनाज का सौंपी थी आदम, अब उन्होंने यही कहा था कि हम जब दर्शन कर लेंगे तभी अनाज लेंगे, तो उन्होंने यह बात बताई श्री प्राणनाथ जी। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, इतना सुख हुआ कि लालदास जी के आने पर उनको बहुत आनंद आया। साथ लो उठो अब यो कहा श्री मुख, उन्होंने अपने मुख से कहा कि आप उठो अब प्रसाद लीजिए। तब लालदास ने कहिया हमको अगड़ है अनाज, हाँ हमने इस तरह से प्रण लिया है कि हम श्री बिहारी जी के पास में जाएंगे, अभी उन्हें यहाँ की कोई हालत पता नहीं है, यहाँ का वाक्य जो घटना कुछ भी मालूम नहीं है, हम तो जाएंगे बिहारी जी के चरण में प्रणाम करेंगे। जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े दिल का, इसलिए मैंने अनाज छोड़ा हुआ है, उनके चरणों में जाएंगे तब लेंगे। तब आप श्री मुख कहिया भया पूरा तुम्हारा पन, कौन कह रहा है, स्वयं कह रही हैं आप सिंद्रावती जी, स्वयं श्री महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारी पूर्ण परीक्षा जो थी वो पूरी हो गई, प्रतिज्ञा उठो प्रसाद दीजिए।
अब तुम संयोग के मिलावा में आ चुके हो, कोई प्रकार से चिंता मत करो। हे सुंदर साथ जी, शरद बोलते समय, इस समय को आप बड़े ध्यान से मंथन करो, विचार करो और सोच लो किस तरह से आपने उनसे बोल दिया कि तुम्हारी प्रण पूरा हो गया। सोचो साथ जी, किसने कहा? आप श्रीजी साहब जी ने कहा, लालदास जी ने क्या कहा, वो सारी अपन ने सुना। और इस समय तो शरद को याद करो कि धनी यहाँ आकर के इंद्रावती जी को शोभा दी और तब कहो महामती नाम। यहाँ से इनका नाम महामती होता है, नाम शोभा सब कुछ इनको प्रदान की गई है। यहाँ से अब महामती जहर होने वाली हैं, महामती अब पूरा का पूरा जागनी का काम करेंगी। इस तरह में यहाँ इस समय को याद करिए साथ जी। फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की दुनिया। लालदास जी महाराज जी कहते हैं इस तरह से दोनों में जो अंदर में उठ रहा था वो प्रकट हो गया, भेद प्रकट हो गया एक दूसरे के प्रति। श्री महाराज और श्री रतनबाई बिहारी जी के प्रति ये बात प्रकट हो गई और धामधनी ने ही बता दिया कि हम किन के साथ में हैं, ये भी बोल दिया। सुंदर साथ नहीं बोल दिया, हम किन के साथ में हैं, इंद्रावती के साथ में हैं। और लालदास जी भी आ गए, उन्होंने का भी यहाँ निर्णय हो गया है कि इनके साथ में हैं। अब ये झगड़े की जो बात है इसको आगे सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो साथ जी, हजरत कौन है? हजरत बोलते हैं मोहम्मद साहब को, समझे? मोहम्मद साहब ने जब हो मक्का मदीना के अंदर वाकयात हुआ तो मोहम्मद साहब हजरत इनको बोलते हैं। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? श्री 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 एक चुआ सम्माननीय वंदनीय कितने बोलते हैं, वहाँ हजरत बोल दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। इसलिए हजरत ने हज इत करी, ये बात जिस तरह से ईसा मसीह की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें सतगुरु देवचंद जी महाराज जी पर घटित होती हैं, इसलिए यहाँ इनको ईसा रू अल्लाह कहा गया है। और मोहम्मद साहब की जितनी बातें हैं पूरी बातें यहाँ पर श्री महाराज पर घटित होती हैं, ये आखिरी मोहम्मद कहलाते हैं। तो जैसे मोहम्मद साहब ने वहाँ पर जो मक्का की पातशाही लेना चाहते थे उस समय पर भी दज्जाल ने हैरान किया था, वहाँ भी शैतान ने परेशान किया था और उनको वहाँ लेने नहीं दिया था, नहीं दिया था। तब उन्होंने मक्का मदीना के अंदर में यही वाक्या घटा था, वही आज महामती लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि हजरत महामती श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद हैं। उन्होंने हज बोलते तीर्थ, उन्होंने तीर्थ बनाया, किसको बनाया? महामंगलपुरी धाम सूरत को उन्होंने हज की, हज का मतलब तीर्थ। हजरत ने हज इत करी, क्यों करी? लेने को मक्का, मक्का की पातशाही साहिबी लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर तीर्थ किया। लेकिन अब सीधा सीधा लालदास जी ने तो लिख दिया था कि बिहारी जी की पेट के उन्होंने शैतान किया, बहुत हरकत की है, तो वहाँ उन्होंने उनके साथ में बहुत परेशान किया है, बिहारी जी ने बहुत हैरान किया है। उस मक्का की साहिबी लेने के लिए जाने पर वहाँ उनको रोका गया, टोका गया, अनेक प्रकार की बातें यहाँ पर होती हैं। इसलिए हजरत ने सदगुरु श्री पिया प्राणनाथ जी ने इंद्रावती जी ने सूरत महामंगलपुरी धाम को तीर्थ बनाया और सूरत जामनगर को उन्होंने मक्का की शोभा दी है। लेना चाहते थे लेकिन वो ना लेकर के वहाँ से प्रस्थान किया दारुल वका निज घर परम धाम पन्ना धाम की तरफ में वो चलते हैं। हम ये कहना चाहते थे इसलिए इसमें थोड़ा अटक गए थे, हम हमारे मुख से नहीं निकलता था कि हम दज्जाल कहें किसी को, हम कौन होते कहने वाले, समझे नहीं, इसलिए इशारा तो समझना पड़ता है। इसलिए हम कहते क्या कहें क्या ना कहें, शब्द लाएं कि ना कहें, वो आ गया है फतेह करी दज्जाल से। जो धर्म की राह पर रोड़ा लटकाता हो, जो इंद्रावती जी को, जो साहेब को, जो पिया को और अनेक प्रकार से प्रताड़ना देता हो, उनको तकलीफ पहुंचाता हो, उनके बारे में कई ना कोई प्रकार के वो अपनी शैतानियत करता हो, तो उसको क्या कहेंगे बताइए? शैतान कहेंगे नहीं, दज्जाल कहेंगे नहीं कहेंगे? उस दज्जाल से फतेह की, वहाँ पर उनके चाचा थे, मक्का मदीना के अंदर में उनके चाचा थे,
अबूजल उनका नाम था, समझे। वो उनको बहुत हैरान करते थे, बहुत परेशान करते थे, सगे करते नहीं करते थे, हैं सगे यहाँ पर कि नहीं है सगे। ये फतेह करी, दज्जाल से फतेह प्राप्त की, विजय प्राप्त की, और आप चल पड़े दारुल वक्का की तरफ में। और दारुल वक्का है वो पन्ना परम धाम, उस तरफ में चल पड़े और वहीं पर पन्ना परम धाम में पूरा परम धाम आएगा। इसलिए कुछ किया यहाँ पर, ऐसा हुआ जंग में दज्जाल के साथ में क्या करना पड़ा, यहाँ तीर्थ बना करके प्रस्थान करके दारुल बका की तरफ में प्रस्थान किया। शहर मदीना सूरत यहाँ से नहीं चले जाकर, फिर देखो लालदास जी क्या बोलते हैं, जब इशारा कर दिया उन्होंने कि शहर मदीना सूरत, मतलब कि सूरत को उन्होंने क्या बोल दिया, हज करने के लिए तीर्थ बना दिया है। यहाँ से जब उन्होंने कुछ किया और जब दारुल बक्का तरफ चलते हैं पन्ना धाम, तो भी बक्का किसको बोलेंगे, अब आप अर्थ आपको लगाना है, तो बक्का होगा नहीं रतनपुरी धाम जामनगर, इसलिए यहाँ से वो चलते हैं। महाजरो मदद करी जो साथ सेवा में चले, जो सेवा में चले साथ महाजर, महाजर जो धर्म पर फना हो जाते हैं, धर्म पर निछावर हो जाते हैं, अपने देह की फिक्र नहीं करते, अपने परिवार की फिक्र नहीं करते, बोलो साथ जी, वो अपने किसी प्रकार की लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं, उनको महाजर बोला जाता है, जो धर्म पर पूर्ण तरह से समर्पण हो जाए, अपने आप को निछावर कर दे, उनको महाजर बोला जाता है। ये महाजर हैं जो चलने वाले हैं, जिन्होंने ऐसे समय पर पिया प्राणनाथ जी के साथ में सहयोग किया है। इन मोमिनों की सिफत बोलते बड़ाई, इनकी प्रशंसा, इनकी अनुशंसा कहाँ गाई जाएगी, बका अखंड परम धाम के अंदर में गाई जाएगी। लालदास जी महाराज जी, महाराज जी लालदास जी आ गए और कुरान शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए कुरान हदीसों में लिखा हुआ है, कुरान जोश में आती है और हदीसें होश में आती है, इसलिए उनमें लिखा हुआ है, इनकी महिमा लिखी हुई है, इन मोमिनों की बड़ाई लिखी हुई है, इसके बारे में विकत लिखी हुई है कि एक तरह से मोमिन अपने आप को धर्म पर कुर्बान कर देंगे। अब देखो यहाँ से प्रारंभ होता है और शुरू होगा इनको, अब कहाँ इस तरह से सब लोग अपने अपने घरों में आनंद, धनाढ्य, धनवान, ज्ञानवान, सब श्रेष्ठ, लेकिन पिया प्राणनाथ जी के साथ में अकिंचन होके चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह चलते हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई मैं नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का विवाद नहीं। बोलो आप, 5,000 होंगे, किसी का भी विवाद नहीं है, अभी तक तो आप सुनते ही हैं, कोई विवाद नहीं है, इस तरह से चलते हैं। अब ये बात पहले से ही लोमो फूज भाग्य पटल उस तख्ती में लिखा है परम धाम के अंदर में, उसी लिखे अनुसार हो रहा है। बोलो आप, कब लिखा था, 1100 वर्ष पहले लिखा था, लालदास जी भी तक कब लिख रहे हैं, सुंदर साथ जी देख लो, आप खुद ही देख लीजिए, आप लिख रहे पन्ना धाम में, तो बोलते 1100 वर्ष पहले लिखा था, ऐसा घटना घटेगी, ऐसी बातें होंगी, लेकिन सब पढ़ते थे, तमाम खलक पड़ती है, लेकिन कभी ने उस सोचा, आज भी सोच लेवे, आज भी पढ़ लेवे कि ऐसी बात लिखी है, ये पेट से बात तो तैयार हुई नहीं है, लिखी है कुरान में, लिखी हदीसों में लिखी हुई है, आपको ढूंढना है, आप पाइए, प्राप्त करिएगा। लेकिन इसको क्या करते, हम लोगों को तो बहुत डर लगता है, बहुत खुशी हुई आपके बात सुन करके, हम इसको तो जबरदस्त करके बताएंगे, ईमान आएगा, जिसको ईमान आएगा तो उसको तो फुरूरी होती है, हम जल्दी से जल्दी बता देंगे। लालदास जी को समझ में आई नहीं, उसकी इतनी उत्सुकता थी लालदास जी को कि हम जल्दी से जाके आज ही बादशाह को पकड़ लेंगे। बोलो आप, 12 मोमनों को इतनी उत्सुकता थी कि हम भले मर जाएं, लेकिन हम उसको बता के रहेंगे। वो दज्जाल लोग मिलने नहीं दिया उनको, दज्जाल उनके आड़े आ गए कि यदि मिल जाते तो क्या से क्या हो जाता था, आज नज़ारा ही कुछ दूसरा होने वाला था। तो लिखा तो है सब में, सारी आम खला सब पढ़ती है, 1100 वर्ष पहले लिखा है,
ऐसा होगा, महाजन लोग आएंगे, मदद करेंगे, शहर मीदने होगा, हजरत हज करेंगे, ये लिखा हुआ है। ये भी लिखा है उसमें कि देवचंद जी महाराज जी के मार्फत उनके द्वारा वो किल्ली जिसका नाम तारतम है वो लेकर के आए खुदा परमात्मा की। सिरजी ने आप जाहिर किया, आप सिरजी साहिब ने सबको दिया है ताम खुराक आहार, सबको पिलाया है, पिलाओ सबको आनंद दो। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें अभी तक, अब इन्हीं की चलने वाली है सुन्नत जमात, जो सुनकर के ईमान लावे उसका नाम सुन्नत जमात है, समझे नहीं? वहाँ पर बोलते सिया और सुन्नी हैं, बोलते हैं उनको उसका अर्थ पता नहीं है। यहाँ देखे सुनकर के जो ईमान लावे और कोई प्रकार की विघ्न बाधा आवे उसको दूर कर दे, उससे लड़ जाए, उससे जूझ जाए, मोमिन सुन्नत। कोई बाधा आई बताओ, आप पूछो कि किस तरह से उनके वचन पर पूर्ण तरह से मोमिन सुन्नत साथ अपने आप को फना कर रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, नज़र से तो देखो। और हम भी सोचे सुन्नत साथ जी, हमें भी विचार करना चाहिए कि चलने वाले कौन थे, वो सुन्नत साथ थे जिन पर कोई प्रकार की गलत बातें नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इन्हीं मोमिनों पर, इन्हीं सुन्नत जमात पर हक का प्यार है, उनका प्यार इतना बढ़ता है कि कुछ भी आएगा तो उनके सामने अच्छे से अच्छे भी घबरा जाएंगे। प्यार है राज्य का, उनको इतना बल देते हैं धनी जी, इतनी ताकत देते हैं, इतनी सामर्थ्यता देते हैं वो, कि सामने वाला अपने आप ही शर्मसार हो जाता है। उनके सामने कोई भी वेद शास्त्र पुराण वाला कोई बात करे, कुरान वाला, सब झुक जाते हैं। ये हुआ है हिंदुस्तान में, ये हुआ है निरानंद संप्रदाय में, ये हुआ है प्रणामी धर्म में। आज हमने इसको जाहिर नहीं किया, हमारी गवाही दे रही है, ये हमारा क्या है, हमारा इतिहास है, ये पूरा हमारा पूरा इतिहास है, अभी तक इसके अंदर में पूरा इतिहास है। हमारे लिए कलाम आया, पूरा इतिहास से हमारे लिए वेद आया, पूरा इतिहास से शास्त्र हमारे लिए आए, सारी बातें हमारी लिखी हुई हैं। लेकिन हम क्या करें सुंदर साथ जी, जब हम ही ढीले पड़ जाएं, जब हम ही झुक जाएं, हम ही बिखर जाएं, हम ही छिप जाएं, कैसे होगा? इसलिए छिपो नहीं, जाहिर हो जाओ, आओ, बल करो। बल करोगे, एक से अनेक बनोगे, तभी तो प्रचार प्रसार होगा। जिन्होंने सेवा करी, इन मोमिनों ने तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया। बोलो आप अपने आप को, नहीं तो आज क्या होता भैया, धन ले जाओ, धन देने सब तैयार बैठे, ले धन ले जाओ, लेकिन कोई तन देने तैयार नहीं है अपना, सब कुछ इन्होंने अर्पण कर दिया। हाँ, यही इसलिए इनको खासल खास कहा जाता है, इसलिए इनको परम ब्रह्म कहा जाता, परम वैष्णव कहा जाता है। ये परम वैष्णव भी हैं, ये परमहंस भी हैं, ब्रह्म सृष्टि भी हैं, नाजी फिरका भी हैं, मोमिन भी यही हैं, सुंदर साध भी यही हैं, यही सब कुछ हैं इनके नाम। घबराना नहीं कि इतने नाम बता दिए, बहुत सारे नाम हैं, और आपको पढ़ना हो तो श्रृंगार वाणी पढ़ लेना, इनके कितने नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। यही अरवा हैं, यही आत्माएं, यही रूह हैं, यही ब्रह्म सृष्टि उतनी हैं अरस परम धाम से, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े प्रभु संदेशाले, जग को आज सुना ने, जग को आज सुना, भूले भटके गिरे हुओं को अपने गले लगाने, अपने गले लगाने। निकल पड़े हम बड़े प्यार के साथ में, और निकलते हैं जो भूला हो, भटका हो, लूला हो, पांगला हो, जो कोई साथ हो, गले में लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे और घर तक पहुंचाएंगे, परम धाम तक ले चलेंगे। ओ
करते हुकम दिया। आज देख लो जबरूती फरिश्ते जो जबरूत अक्षरधाम से आए हैं, जिनको फरिश्ते मतलब अक्षर साथ में हैं, उनके साथ साथ में कहीं ना कहीं उनका सहयोग करेंगे। उनको भेजा गया है इनकी रखोपा करना, इनकी रक्षा करना, इनके साथ में रहना। धामदनी ने भेजा है मोमिनों को, हमने आपको पहले कहा है, राज्य ने अक्षर ब्रह्म से कहा कि ये ले जाओ इनको, तो अक्षर ब्रह्म ने क्या किया था, छिपाया नहीं कवाय तले, अपने नीचे छिपाया राज्य ने, और राज्य ने उनकी अक्ष को दे दिया, असली ने अक्ष को दिया। और अक्षर ब्रह्म ने इतनी अच्छी व्यवस्था की उनके लिए, अपनी सृष्टियों को भेज दिया इनके साथ। प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि के कंधे पर दो फरिश्ते बार हमेश रहते हैं, याद रखना, बार हमेश रहते हैं। एक तरफ में असराफिल होता है, समझ गए, याद रखो, एक तरफ में जबराइल होता है, दोनों कंधे पर बराबर मुतय्यन रहते हैं, बैठे रहते हैं बार हमेश, मोमिनों के साथ में रहते हैं। तो यदि आप मोमिन होगे तो बैठे होंगे, और यदि अपने अंदर में खुद खलबल खलबल होता होगा, काहे को बैठेंगे वो तुम्हारे साथ में, काहे को। इसलिए इनके रखो पर रक्षा के लिए इस सृष्टि को फरिश्तों को भेज दिया अक्षरधाम से। यही खासल खास जो धर्म पर फना होने वाले हैं, ये खासल खास ब्रह्म यही ब्रज में थी, यही रास में थी, और रास में भी ईश्वरी सृष्टि थी। बोलो आप, रास में भी ईश्वरी सृष्टि थी और ब्रज में भी ईश्वरी सृष्टि थी, इनका तो साथ ही है, क्योंकि एक तरफ अक्षरधाम अक्षराती धाम, एक तरफ अक्षरधाम है, साथ में थे। तो उनके अंदर में क्या किया था, एक एक सखी के अंदर में जो 12,000 थी, उनके अंदर में एक एक के अंदर दो दो को रख दिया था। बोलो, एक के अंदर, क्योंकि उनकी 24,000 संख्या है, तो एक के साथ में दो दो को बिठा दिया था। यही ब्रज में थे, यही रास में थे, और इसलिए यही इनका नाम खासल खास ब्रह्मंगना है। इच्छा पूरी नहीं हुई थी दुख के खेल की, आग पानी पत्थर की, और ना ये भटकने वाली जो अब भटक रहे हैं, अब जो खेल मांगा है अब जगह जगह पर जा रहे हैं, और ना कहीं किसी ने मार खाई थी, वहाँ कोई मारने आता था वो खुद मर जाता था। बताओ आप, ब्रजमंडल में कोई मारने आता था वो वहीं मर जाता था, उसका सब कुछ खत्म हो जाता था। अब यहाँ पर इन मोमिनों के ऊपर में यदि कोई करेगा तो उसके भी हालत खराब होने वाली है, उनकी भी रक्षा करेंगे धनी जी। ऐसा ही है तीसरा ब्रह्मांड अक्षर का, तैसे कि जैसे ही हुआ है, सब जाने हम वही है, खबर न पड़ी ब्रह्मांड। यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ गए नहीं कि भैया जब ब्रह्मांड मिटा दिया था, सब चले गए थे, क्या हुआ फिर? जैसे ही वो लोग गए वापस अपने घर पर, तो जो गोपिकाएं अपने घरों में सो रही थीं, वो अपने घर में वैसे की वैसी उठ गईं, हो बहू उन्होंने फिर खड़ा कर दिया वैसे की वैसी। सब सखियां तो चली अपने घर में, लेकिन वो सब के सब ऐसे लगा जैसे हम घर में सो कर के उठे हो, मैं ऐसे पता नहीं चला, क्योंकि रात में सोए थे, और रात में सो करके उनके अंदर में पहुँच गई थी ब्रह्मंगना है। तो 11 वर्ष खेला, लेकिन खेलने के वजह वो चली गई ना वापस, तो सब ऐसी उठी जैसे रात में सो रहे थे, तो सो करके देखा तो कुछ नहीं, वैसे की वैसे चल रहा है। यही बात नहीं आती समझ लोगों को, यहीं पर अटक जाते हैं, यहीं भ्रमित हो जाते हैं। खासल खास ब्रह्म सृष्टि आई है इस ब्रह्मांड में, चलो उनको जगाने चलते हैं अब, और दावा करेंगे क्यामत का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है, और जागने का समय आ गया है। अब देखना सुंदर सा जहाँ जहाँ भी हैं, धीरे 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 करके निकलेंगे 500, और चलते चलते हो जाएंगे 5,000 पहुँचेंगे। जगाने के लिए शाकुंडल, शाकुमार को, शाकुंडल है
जिसका नाम छत्रसाल जी महाराज है, और साकुमार है जिसको परखा, जो हम लोग बोलते हैं कि वो शायद औरंगजेब के अंदर में है, ऐसा कहा है। श्री मुख श्री देवचंद जी कहीं बुलाए जाओ श्री महाराज, जाओ महाराज दोनों को बुला करके लाओ। खुली कलिंगा का जाल सो जग कर हो जाए तुम, जब तुम उनको जगाओगी उनको बुलाओगी तो कलयुग के अंदर में तुमको युद्ध करना पड़ेगा। जो कलिंग जो है ना कलयुग है ना, इस कलयुग के अंदर में कलयुग प्रवृत्ति वाले हैं, सब शैतान बैठे हुए हैं, उनको बुलाने जाओगे तो झगड़ा तो होगा ही, वहाँ पर कोई ना कोई प्रकार परेशानी तो होगी। देह बुद्ध छुड़ाए के लाओ बुद्ध आत्म, इसलिए सबकी देह बुद्धि छुड़ा दो और आत्म की बुद्धि उनको बताओ, और आत्म की बुद्धि के अंदर में कोई प्रकार का भेद नहीं होता है। धर्म विरोध धर्म ने चलता कुली दज्जाल, इस संसार के अंदर में इस धरती के ऊपर में धर्म का विरोध है, पूरी धरती के ऊपर में जहाँ देखो धर्म का विरोध होता है, और कौन करवाता है, एक कलयुग करवाता है, कुली दज्जाल करवाता है ये सब। ताको मारो किताब सो जो होवे सब काले, देखो उसको जल्दी जा करके नाश करो, उसका उसको भंग करो, उसको मिटाओ, जो बदफैली फैला रहा है, जो कर रहा है गलत काम, उसको जल्दी से जल्दी नाश कर दिया जाए। एक दिन हो एक का सब भजन करे, एक दिन एक हो जाना चाहिए, और उसका नाम होगा निजानंद। देव वेद कतेव की साहदी जो लावे सब ईमान, जितने से सबको विश्वास आवे, तो वेद में भी कहा है, कतेव में भी कहा है, शास्त्र में भी कहा है, सब धर्म ग्रंथों में कहा गया है, उनको निशानी दे देना। गाजी बलिय अथराइले तामे श्री देवचंद जी, गाजी गाजी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको टोली बोलते हैं, बनी असराइल बोला जाता है धनी श्री देवचंद जी महाराज जी को, धनी देवचंद जी महाराज जी बनी असराइल हैं, और उनके टोली ये पूरे सुंदर साथ हैं। लड़े राह खुदा के वास्ते ये जो महीने हजार, तो पहले ये लड़े, कब लड़े, हजार महीना, अब हजार महीना के साल बना लो बुला लो, 83 वर्ष और 4 महीना बनते हैं, इतने समय तक सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के साथ में युद्ध हुआ। फिर इनसे भी बेहतर कहीं श्री जी बांधी कमर, उनसे भी ज्यादा बेहतर जो लड़ाई हुई है और जागनी हुई है, श्री जी साहिब जी ने जब आप प्रविष्ट हुए धर्म पर जागनी जगाने के लिए, उनसे भी धर्म युद्ध हुआ। जाहिर करी जगत में लड़ाई सब ऊपर, ये लड़ाई धर्म वाली लड़ाई है, ये कोई तलवारों वाली लड़ाई नहीं है, ये भाले कटारियों से नहीं है, ये लड़ाई है धर्म की है, और उनको धर्म से ही समझाना है, प्यार से समझाना है, ये लड़ाई सबसे ऊपर कही जाती है, और इसी को बोलते हैं शास्त्रार्थ, सबसे ऊपर है। दो बार होगा, एक तो होगा हरिद्वार के अंदर में, और एक होगा दिल्ली के अंदर में होगा। ऐसी लड़ाई के समय में जिन्होंने सहयोग किया है वो मोमेंट, नहीं तो लोग सुनते थे अरे भैया बादशाह क्या हो रहा है, भागेंगे, गड़बड़ पड़ेगी, ईमान डगमगा जाएगा, लेकिन जो खड़े रहेंगे वो खासल खास कहलाएंगे। इनकी मेहनत इन जुबा कहीं न जाए सिफत, इन्होंने जो मेहनत की है, इन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, कि बताओ आप, उनको हवाले किया गया, कभी सिद्धि पुलाद के हवाले किया गया, कभी मौला मुल्वा के पास में भेजा गया, कभी न्यायाधीश के पास भेजा गया, कभी कहाँ कहाँ किया गया, लेकिन आखिर के कार में उज्ज्वल मुँह इनका ही होगा, उनके मुँह काले हो जाएंगे। इनके नाम कहते हो सुनियो चित्त दे साथ, सुंदर साथ जी जो चले हैं उनकी आप बात सुनना, जो लोग साथ में चले, जो महावजर कहलाए, जिन्होंने इनकी सिफत चलना है, अब जिन्होंने मदद की है, कुर्बान हुए हैं, पना हुए हैं, अपने आप उन्होंने हर प्रकार के दुख झीले हैं, उनकी सिफत अब होगी। कुबत दही कादर ने पकड़े अपने हाथ, समझे, कुबत बोलते हैं शक्ति सामर्थ्यता, कादर भरतार धनी है, उन्होंने शक्ति दी है वही चल पाए हैं, नहीं तो कादर यदि वो समर्थता ना देवे, बल ताकत ना देवे, तो वो तो
कैसे भी धर्म पर नहीं चल सकता है। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इसलिए इन मोमिनों का नाम खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। ये सेवा भी करेंगे, समर्पण भी करेंगे, जागनी भी करेंगे, दुख भी उठाएंगे, सुख भी लेंगे, सब कुछ धनी इनको देंगे। इनको धाम धनी बिना और न उपजे आस, इनको कुछ नहीं चाहिए। हम तो आशा रखते हैं, उम्मीद चाहना रखते हैं, इनको कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। संसार मुर्दार है ये, इसको इसकी लालच नहीं चाहिए। एक धनी की सेवा करना है, उनके हुक्म को पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है। इतने के लिए ये मोमिन सुंदर साथ चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, नाम तो बोलो एक आध दो। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब महामंगलपुरी धाम सूरत से ये जागनी का काम करते हुए आप श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को लेकर के अब जगह जगह पर जागनी करेंगी, ठोर ठोर पर जाके अब सुंदर साथ को पैगाम देंगी घर घर। जो बात सदगुरु निजानंद धनी देवचंद जी कहते थे, हम बाहर निकलें तो ये कार्य होगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकले, निकल रही इंद्रावती जी। और हर सुंदर साथ को वो इतना आनंद देंगी, क्यों उन्होंने फना किया अपने इस देह की, उन्होंने क्यों फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने आप को क्यों करके धर्म पर पूर्ण तरह से समर्पण कर दिया। वो बात छिपी होगी कहीं पर, हल्ला जरूर करेंगे कि इनके पास कोई पुड़िया है, इनके पास कोई पुड़िया है, कोई जादू है, ऐसे कोई थोड़ी पागल होता है कि सब चल देता है उनके पास में। हम दावा करते हैं कि उनके पास में है, वो लोग शंका में हैं और हम बोलते हैं कि उनके पास में है। बोलो आप, आपको भी लेना है तो वो तो उस समय देते हैं, हम बीतक में देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ, वो तो उस समय देते हैं, उनकी पुड़िया आपको हम यहीं पर देते हैं। वो पुड़िया लेना है तो साथ जी, वो पुड़िया उन्होंने बांटी है सबको, अब मिलने वाला है, चाहे उदयपुर में जाएं, चाहे अहमदाबाद में जाएं, सिद्धपुर में जाएं, मेड़ता में जाएं, जहां जाएं, वो पुड़िया का दर्शन करवाएंगे, दिखाएंगे, देखो ये है पुड़िया, ये पुड़िया देखना, दर्शन करना है, दर्शन दे दो, देंगे पन्ना जी में, याद कर लो सुंदर साहब जी, देंगे, आप तैयार रहो, मिलेगी पन्ना जी में। देख दर्शन भर करवा दिया है कि हाँ है पुड़िया है, इसलिए लोग बोलते भैया पुड़िया है, पुड़िया है, लेकिन दी कब है उन्होंने वो पुड़िया को, खोला पन्ना धाम में। उस पुड़िया में क्या था, उस पुड़िया के अंदर में था मानिक पहाड़। बोलो श्री प्राणनाथ, उस पुड़िया में था तुम्हारा रंग महल, उस पुड़िया में था तुम्हारा फूलबाग, उस पुड़िया में था तुम्हारे परम धाम की पूरी घर की आनंद। उसको लेने कोई नहीं आएगा, यदि आपका घर है आ जाओ लेने के लिए, मिलेगा, लेकिन मिलेगा छठवें और आठवें पहर में। बोलो श्री प्राणनाथ, जब बीतक होगी आठवें छठवें पहर में, तब वो पुड़िया मिलती है और उसको लेकर के सब भूल जाओगे। तो आप सब सुंदर साथ चलते हैं, उनको कल देना ना। सूरत से भी चल के आए पहुंचे गुजरात, आप सुंदर साथ जी धामधनी प्यासी प्राणनाथ जी, आप यहाँ से चलते हैं, उनके साथ में महारानी बाईजी राज जी होती हैं, उनके साथ में गोवर्धन भाई होते हैं, उनके साथ में भीम भाई होते हैं, उनके साथ में सूरत के बहुत से सुंदर साथ होते हैं। और महामती लालदास जी कहते हैं कि लालदास जी चले खाली लेकर हाथ, वो भी चले साथ में, इन सबके नाम आए हैं, इन्होंने अपना आपा निछावर कर दिया है सब कुछ। ऐसे सुंदर साथ अब सूरत से चलेंगे और चल करके आप पहुंचेंगे गुजरात, इस तरह से गुजरात से सिद्धपुर पालनपुर होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तहां की लीला को आपको कल सुनना है। इसलिए क्यों चले, ये धर्म के वास्ते, परमात्मा के, खुदा के वास्ते। इस संसार में जुल्म फैला हुआ है, बहुत प्रकार का भद्र फैला हुआ है, उपद्रव ज्यादा हो रहा है, ये सब
बेकारियां जो हो रही हैं, मतलब कि लोग धर्म पर नहीं चल रहे हैं, इन सबको उस पर लाना है। गुजरात के बीच में चार दिन रहे, चार दिन गुजरात के अंदर में रहते हैं, वहां से चल करके सिद्धपुर पहुंचते हैं। सिद्धपुर है और वो जैन समाज का बहुत पावनमय स्थान कहलाता है, वहां पर पहुंच गए। सिद्धपुर पहुंचे गुजरात के बीच में, गुजरात के बीच में चार दिन रहे ये कुछ करके सिद्धपुर पहुंचे जे बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की प्रणाम। श्री प्राणनाथ भदुरे स्वामी Bye.